आ जाओ। कंजंक्शन शब्द बना है बेटा कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़ना। बहुत सी किताबें इसे कनेक्टर भी कहती हैं, बहुत सी जगह इसे जॉइनिंग वर्ड भी लिखा जाता है। काफी सारे टीचर्स के मुंह से आप लिंकर्स भी सुन लोगे। बात चाहे कैसी भी हो, शब्द चाहे कोई भी हो, निचोड़ की बात है कि है प्लस। कंजंक्शन का मतलब होता है प्लस, सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे से प्लस करना, जोड़ना। एक शब्द को दूसरे में प्लस करना, जोड़ना। एक फ्रेज को दूसरे में प्लस करना, जोड़ना। दो अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना। तो जहां पर भी आप कंजंक्शन को यूज कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, इसका पर्पस है सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ना। अच्छा मानव, ठीक है बेटा, मुझे पता है कंजक्टिवाइटिस और चिकन पॉक्स दोनों चीजें काफी ज्यादा स्प्रेड हैं, तो इट्स ओके, रिकॉर्डेड देख लेंगे वो, कोई बात नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। ये है कंजंक्शन का मीनिंग। अब कंजंक्शन के टाइप्स तीन होती हैं। पहले को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरे को कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, सभी लिखेंगे चैट सेक्शन में। कंजंक्शन का मतलब प्लस होता है, सभी लिखेंगे कंजंक्शन मींस प्लस। सारे लिखो कंजंक्शन मींस प्लस। कंजंक्शन के मीनिंग को कट कर सकते हो आप इस क्लास से प्लस तक। कंजंक्शन का मतलब प्लस, सभी लिखो, सबका दिखाई देना चाहिए मुझे। रिया, संगीता, वैष्णवी, रचना, रूबल, सबको हेलो, फटाफट से लिखिए कंजंक्शन मींस प्लस। कंजंक्शन का मतलब प्लस है। फिर लिखो कंजंक्शन की तीन टाइप्स, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। फटाफट लिखो कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, सबकी चैट दिखाई देनी चाहिए। देखो कुछ बच्चे आलसी हैं, लाइव हैं पर लिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, सब ने लिख रहे भाई, कोऑर्डिनेट लिखो, सबऑर्डिनेट लिखो, कोरिलेटिव लिखो, फटाफट से। कमेंट्स की ट्रेन दिखाई देनी चाहिए मुझे, तुम सब दिख रहे हो, मुझे मत ढूंढो, यही हूं मैं। सब लिखो फटाफट कंजंक्शन मींस प्लस, उसके बाद लिखो कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, जल्दी लिखो। जो लिखेगा उसी को टॉपिक समझ आएगा, जो घर बैठे आलसी बन के दिखा रहा उसे नहीं आएगा। सबके मैसेजेस दिखने चाहिए स्पीड से, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, आई एम राइटिंग इन नोटबुक। ओके समीता, समीता थी शायद आप, ठीक है समीता, मान लेते हैं। जब सब लिखेंगे तो आगे बढ़ूंगे। सब लिखो कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, तीन तरह की कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। वेरी गुड मनदीप, अभी तीरथ, बढ़िया रचना, रुचिता, मनीषा, रिया कुमारी, अंजना, अक्षयराज, गीता, संजीता। चलो ऑलमोस्ट बच्चों ने लिख दिया मेरे ख्याल से, कोई एक आधा रहता हो तो फटाफट पूरा करो। कंजंक्शन का मतलब प्लस, और तीन तरह की कंजंक्शन इंग्लिश में होती हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, को
योर रिलेटिव। अब मैं एक एक करके समझा रही हूं, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, कोई दाएं बाएं ना भटके। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जहां पर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी दोनों सेंटेंस आपस में कंप्लीट है। आगे वाला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, पीछे वाला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। जब दो कंप्लीटेड सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो उसे जो शब्द जोड़ रहा होता है उसे इंग्लिश कहती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब की बार आपने लिखना है कंप्लीट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो जोड़े वो है कोऑर्डिनेट। तो आप चैट में सिर्फ इतना लिखेंगे कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो कनेक्ट करेगी वो कोऑर्डिनेट होगी। जैसे कि ही इज टीचिंग एंड आई एम स्लीपिंग, वो पढ़ा रहा है और मैं सो रहा हूं। होंगे ना घर पे कुछ बच्चे बेड पे सीधे उल्टे लेट के क्लास लगा रहे होंगे, थोड़ी सी देर में उबासी लेंगे फिर सो जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे इंग्लिश बड़ी पका हुआ है ना बच्चों, तो बैठ जाओ, लेटे हो तो बैठ जाओ। क्या लिखा, ही इज टीचिंग एंड आई एम स्लीपिंग। तो ध्यान से देखो, ही इज टीचिंग अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, I am sleeping अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो इस एंड को इंग्लिश कहेगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। लिखो सारे एंड यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फटाफट लिखिए एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सभी लिखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रानी चौधरी, रानी गर्ग, रानी नाम के दोनों बच्चे बढ़िया। सात्विक वेरी गुड, शिवम वेरी गुड, रिया कुमारी, दरविश, दरविश आप कहां से हो, आपका नाम और सरनेम थोड़ा अलग प्रतीत होता है, बताएं आप कहां से हैं, कौन से स्टेट से हैं। कोऑर्डिनेट सेंटेंस डिपेंडेंट भी होंगे क्या, नहीं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ती ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ती ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को है, क्योंकि अगर सेंटेंस डिपेंडेंट होंगे तो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हो जाएगी। अगर आपने डिपेंडेंट सेंटेंस आपस में जोड़े तो वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होगी। कैसे, ही इज वर्किंग सो हार्ड to get this job, he is working so hard to get this job। अब ध्यान से देखो, he is working, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो नौकरी लेने के लिए, तो आगे वाला सेंटेंस पीछे वाले पे डिपेंड है और पीछे वाला आगे वाले पे। मेहनत कर रहा है क्यों, नौकरी लेनी है इसलिए, नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी कैसे, क्योंकि मेहनत कर रहा है। तो ये जो सो जुड़ रहा है ना, सो सो सो, ये यहां पे बनेगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कैसा कनेक्टर बनेगा, सबऑर्डिनेट। जनकपुरी से हैं आप, जनकपुरी इज इन दिल्ली या कहीं और, जनकपुर, जनकपुरी। हाँ जी, डिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेंगे तो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेंगे तो कंजंक्शन सब, वो उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, डिपेंडेंट जुड़ेंगे तो सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट।
इंडिपेंडेंट जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट, और एक दूसरे पर निर्भर होने वाले सेंटेंस होंगे तो सबऑर्डिनेट। यहां तक सही समझ में आया है तो थम्स अप की लाइन लगाओ, फटाफट फटाफट थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप लगा दो लाइन, अगर यहां तक बात बन गई है तो। यस इट इज इन दिल्ली, गॉट इट बेटा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। आई नीड थम्स अप्स, सभी की तरफ से थम थम जप जप, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप। कोरिलेटिव, ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ये हम रंग बिरंगे बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? टीचिंग बैकग्राउंड, डिसिप्लिन बैकग्राउंड, ये लो गोवा में पढ़ेंगे हम ये, ठीक है? कोऑर्डिनेट हम इस पे पढ़, कोरिलेटिव इस पे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तुम्हारा मन लगा रहेगा बोर्ड को देखते देखते। बस एक आधा पेड़ पे मत चढ़ जाना, ठीक है बच्चों? थम्स अप भेजेंगे नहीं तुमने? हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो अब हम शुरू कर रहे हैं। सब लिखो अपनी चैट में कोरिलेटिव, क्या शुरू कर रहे हैं? कोरिलेटिव, ट्रेन चलाओ फटाफट, कोरिलेटिव 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 कोरिलेटिव। हाँ, कोरिलेटिव दिखना चाहिए भाई मुझे। जी रानी, अंजनी, प्रतीक, जिया, रीना चोपड़ा, रीना चोपड़ा, वाह क्या नाम है, कुछ चोपड़ा चोपड़ा कुछ था ना, रीना चोपड़ा, चोपड़ा चोपड़ा कुछ बॉलीवुड में भी कोई बड़ा फेमस सा व्यक्ति रहा है ना, चोपड़ा, कौन सा चोपड़ा, मैं भूल गई। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, फिल्मों के दीवानों। आदेश सिंह, बहुत बढ़िया नाम है आदेश, क्या नाम है, वाह। आरोही, लवीना कुमार, लवीना मेल या फीमेल, नाम से लग रहा है फीमेल, कुमार से लग रहा है मेल। ये आपका नाम भी मैंने काफी दिनों में पढ़ा है, शायद मैंने ये किसी और बैच में भी पढ़ा हो, लवीना कुमार जी। बबलू चौधरी जी, रंग बिरंगे थम डाउन तो भेज दिए, समस्या और बता दो, कहाँ तकलीफ है? हाँ, प्रेम चोपड़ा, सही कह रहे हो, प्रियंका चोपड़ा। ज्योति मंगला, रिया कुमार, सॉरी रिया कुमारी, प्रेम चोपड़ा फीमेल है मैम। अच्छा, लवीना कुमार आप फीमेल हैं, ओके चलो, सबने कोरिलेटिव लिख दिया है तो आओ चोपड़ाओं आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो टाइप है इसको मैं इंपॉर्टेंट पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी स्कूल के बच्चे हो तो आपको स्कूल की ग्रामर करनी है, पेपर वेपर देने हैं, तो उधर कोरिलेटिव ही आएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई कॉलेज का बच्चा इस बैच को लेकर के पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलने में भी ज्यादा जो यूज होती है वो कोरिलेटिव होती है। तो मल्टीपर्पज से कंजंक्शन है ये, रिटन में भी यूज हो जाती हैं, ओरल में भी यूज हो जाती हैं और एग्जाम्स में भी आती हैं। तो अगर कोई सो गया है तो जाग के ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है। को का मतलब है आपस में, और रिलेटिव होते हैं जुड़े हुए। तो ऐसी कंजंक्शन जो हमेशा आपस में जुड़ी हुई इस्तेमाल होती हैं उन्हें इंग्लिश कहती है को रिलेटिव कंजंक्शन, जो हमेशा आपस में कनेक्टेड पेयर्ड कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कहते हैं। सब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में पेयर्ड कंजंक्शंस मींस कोरिलेटिव, सब लिखो पेयर्ड कंजंक्शंस मींस कोरिलेटिव। अच्छा, लेकिन अब नारायणा में रहते हैं आप, ओके दरवेश, थैंक यू बेटा। एज और बता दे जब इतनी बात हमारी हो ही रही है तो। हाँ जी, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, सारे लिखो फटाफट, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, सब लिखो। जो लिखेगा उसे को इंग्लिश आएगी, जो आनाकानी करेगा उसे नहीं आएगी। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, सबके कमेंट्स दिखाई देने चाहिए मुझे। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, ये देखो जो हमेशा साथ साथ आते हैं भाई भाई बन के, वो होती है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आपस में जुड़ी हुई। यस, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव्स, सब लिखो।
दरवेश 10 साल के हो आप? ओके बेटा, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव। मंजीत एक बार वो लाना पैनल, अपनी रूल बुक है ना पैनल पे, वो ओपन करनी है। पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, ये प्रैक्टिस बुक है, ग्रामर फाइनल बुक के नाम से, यही है बस, बाकी मैं ढूंढ लूंगी आपके लिए। सारी कोरिलेटिव मैं पैनल पे ओपन कर रही हूं, हालांकि ये मेरी ग्रामर वाली बुक में है टॉपिक। आपने अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ली है तो ब्लैक कलर की बुक है ये उसी की पीडीएफ है आपके सामने फिलहाल, जिसमें सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस और आंसर की के साथ। उसी बुक में से मैं कंजंक्शन ओपन करने वाली हूँ आपके सामने फिलहाल। तो आप में से चाहे कोई स्कूल का बच्चा है, चाहे हाउसवाइफ है, वो बुक आपके काम की है, आप ले सकते हैं, पर ले वही जिसने पढ़नी हो। अगर ले के घर पे रखनी है तो मत लेना, जो पढ़ने वाला बच्चा है वही ले बस, जिसको नियत से सीखना है इंग्लिश। कंजंक्शन का पेज नंबर ढूंढ रही हूँ, लास्ट में मिलेगा। चलो तब तक आप लोग लिखते रहो, पेयर्ड कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव, आप लोग मत रुको, कंजंक्शन सर्च करना, यही है बस। थैंक यू। ये लो बच्चों, ये उस बुक में डाल रखी है मैंने, ग्रामर कंप्लीट ग्रामर बुक है ना जो मेरी, ब्लैक कलर का कवर है। अब तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, फ्लिपकार्ट पे नेहा मैम भी डालोगे तो मेरी सारी बुक खुल जाएंगी। गूगल पे सिर्फ नेहा मैम डालोगे उतने में ही सारी बुक्स आ जाएंगी, ठीक है? लिंक विंक किसी लिए नहीं भिजवाती मैं, सीधा सर्च कर लिया करो। ये लो, ये है आपके सामने सारी के सारी कोरिलेटिव। मैं बोलूंगी लेफ्ट साइड, आपने लिखनी है राइट साइड। मैं बोलूंगी लेफ्ट वाला वर्ड, आपने लिखना है राइट वाला वर्ड। अरे वाह, कुछ बच्चों के पास तो बुक है, पेज नंबर भी बता रहे हैं मुझे, ढूंढ लिया आप सबने भी बुक में। चलो अच्छी बात है, बाकी जिनके पास बुक नहीं है ले लो, ये किताब आपके काम आएगी। इसमें पूरी ग्रामर है, बहुत सिंप्लीफाइड से और शॉर्टकट वाले तरीके से, ट्रिक्स वाले मेथड से है इसमें पूरी ग्रामर, बायलिंगुअल विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं लेफ्ट वाला बोल रही हूं, आप राइट वाला लिखते जाओ, बोथ के साथ आपको लिखना है, इधर के साथ, नीदर, नॉट ओनली, हार्डली, स्कैर्सली के साथ, व्हेन, एनी, बिफोर, तीनों पेयर फिक्स हैं, रेदर के साथ, देन, नो सूनर के साथ, देन, नो अदर के साथ, देन, अदर के साथ, देन, एल्स के साथ, बट, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। देखो मॉडल्स में ये लाइन मैंने कई बार बोली थी, जहां भी इंग्लिश में लेस्ट यूज करोगे ना पक्का उसके साथ शुड आएगा, बहुत बार ये लाइन मैंने बोली है, याद है आपको? दो के साथ बट, ऑल्दो के साथ येट, नेवर के साथ और, नॉट और, सो एज, सो दैट, एज, सेल्डम इफ के साथ एवर, सेल्डम और के साथ नेवर, लिटल इफ के साथ एनीथिंग, लिटल और के साथ नथिंग, बिटवीन के साथ एंड। जैसे एल्स के साथ बट आता है ना, ऐसे ही इवन के साथ भी बट आता है, जैसे एल्स के साथ बट आता है ऐसे ही इवन के साथ भी बट आता है। फटाफट से अपना राइटिंग पूरा करो, फिर इनके यूजेस सीखेंगे, कहां पे कौन सी कंजंक्शन लगनी चाहिए। फटाफट अपने अपने पेयर्स पूरे करो सारे बच्चे। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मानव, मानव बहुत अच्छा लड़का है, शायद ही कभी इसने मेरी क्लास मिस की हो। सानवी ने भी कभी मेरी क्लास मिस नहीं की, तीरथ ने भी, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं पीडीएफ डाल दूंगी अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो, कंजंक्शन की तो पीडीएफ डलवा दूंगी बेटा मैं, कोई बात नहीं, बाकी फिर भी आप बुक ले लोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक आपको काम आता रहेगा उस बुक में से, पढ़ने को, प्रैक्टिस करने को, डाउट्स क्लियर करने को, है ना? ब्लैक कलर की है, पूरी ग्रामर है उसमें, बहुत बढ़िया। लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे।
वेरी गुड तेजस्विनी, वेरी गुड नैना पटेल, वेरी गुड नैना, आप गुजरात से हो, पटेल से गैस कर रही हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुजरात आनंद से। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आई वॉज जस्ट गेसिंग अबाउट द स्टेट। चलो, मेरी सिस्टर गुजरात में पोस्टेड है, बैंक में पीओ है वो, गुजरात में भड़ूच है ना, भड़ूच उधर उसकी पोस्टिंग है। चलिए ये लो, अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी फिर आप लोगों को करना है, बस ये कोरिलेटिव याद करने हैं हमें, कैसे भी इतनी ही बात है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ, फिर बाकी आप करेंगे। नो सूनर डिड ही अनाउंसेस, देखो नो सूनर देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए देन लगेगा, जबकि पूरी लाइन में देन कहीं नहीं है। देखो, नो सूनर डिड ही अनाउंसेस द टूर द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड विद ग्रेट जॉय, होना क्या चाहिए, नो सूनर डिड ही अनाउंसेस द टूर, यहां पे होना चाहिए देन द चिल्ड्रन, क्योंकि अगला सेंटेंस शुरू होगा तो नो सूनर के साथ देन तो लगेगा, तो देन सेंटेंस से गायब था, हमने देन लगाना था। ओके दरवेश, इट्स ग्रेट। अच्छा नैना, दैट्स ग्रेट बेटा, भड़ूच के बीओबी में शेज पीओ, बैंक पीओ। चलो अब बाकी आप करके दिखाओ, जैसे मैंने एक किया है फटाफट। नहीं भावना, ये स्पोकन की बुक नहीं है, ये ग्रामर की बुक है बेटा, स्पोकन की बुक आएगी तो मैं बताऊंगी, घबराओ मत।
अच्छा सॉरी, सॉल्व कर रहे हो, मैं भूल गई थी. लो डन, मानव के डन, बाकी भी करो. राघव कुछ नहीं करना बेटा, उन पेयर को याद करना है, कंजंक्शन के पेयर को याद करना है. सेंटेंस में वो उल्टे सीधे लिखे होंगे, उन्हें सीधा सीधा लगाना है, बस इतना ही करना है. अभी सारे आंसर बताऊंगी आरोही, तब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. डन, चलो नाउ इट्स माय टर्न. लेट मी टेल यू ऑल द आंसर्स. ही इंसिस्टेड बट नीदर, देखते ही समझ जाओ नोर होना चाहिए, और गलत नोर लगाना है, बस इतना ही. नो सूनर दिमाग में आते ही चेक करो देन है या नहीं. अब देखो देन है पर गलत, टी एच ई एन वाला, जबकि होता कौन सा है टी एच ए एन वाला. फिर नो सुनर दिख रहा है यानी देन होना चाहिए, पर देखो क्या लगा रखा है वेन. बस इतना ही करना है, पेयर याद होने चाहिए और उसके हिसाब से अप्लाई करना है. बी स्मार्ट, नॉट ओनली के साथ होता तो है बट ऑल्सो, लिख दिया एंड ऑल्सो, तो इसे क्या बनाना है बट ऑल्सो. इधर देखते ही समझो और आना है, लिख क्या दिया नोर, जबकि इधर का पेयर तो और है. फटाफट थम्स अप डालो जिस जिस की बात बन गई है, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप, जल्दी करो बच्चों, क्विकली. ये लो, ये तीन चार क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले थम्स अप डाल दो, फिर ये क्वेश्चन और कर देना, फिर सिनोनिम्स करेंगे हम. जल्दी जल्दी करिए, बहुत बढ़िया.
सभी के हो गए आई थिंक। देख रहे हो आप सब मुझे, जल्दी जल्दी करो। जिया के तो हो गए। जिया बड़ा अच्छा नाम है, बॉलीवुड मूवीज वाले आपको बड़ा यूज करते हैं, है जिया। जिया जाए ना, जिया लागे ना, बेटी का नाम भी जिया है। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, जिया, हिया, किया। पहले के जमाने में होते थे बर्तो, बतेरी, संतरो, हाँ पतासो। हाँ जिया 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 रे जिया रे। ये देखो ये भी एक और आ गया, जिया रे। रिया, आप पतासों को स्वीटी बोलते हैं, सही बात है। उनसे पूछियो भाई ये भतेरी और उनको क्या बोले। एक लड़की आती थी काफी साल पहले, उसका नाम था काफी, काफी, हाँ इनफ वाला काफी, नाम ही काफी बस बहुत। मेरे घर में ये सारे नाम है क्या, पतासो, बतेरी, भरतो। दादियां नानियां ज्यादा है लगता आपकी, भरपाई। सही बात है। स्पोकन बैच स्टार्ट करो, 25 जून से हो रहा है, सॉरी 25 अगस्त से, कहा क्या बोल रही हूँ मैं भी, 25 अगस्त से स्पोकन शुरू करेंगे बेटा। आऊँगी 7 तारीख के बाद अनाउंस करने, फीस भी बताऊँगी, टाइम भी बताऊँगी, अभी कुछ सोचा नहीं है। बाकी 25 अगस्त से शुरू कर रहे हैं स्पोकन, और उसी दिन साथ में अपनी बुक भी लॉन्च कर दूँगी स्पोकन वाली। चलिए अब मैं आंसर्स बता देती हूँ, क्योंकि आप सब ने तो कर लिया। द थीफ हैड हार्डली, हार्डली सही पता लग रहा है, देन नहीं वैन होना चाहिए। आई विल हैव बोथ, बोथ देखते ही याद आ जाए, और नहीं एंड होना चाहिए। कवर ऑल द कट फ्रूट लेस्ट के साथ शुड पहले से लगाए, ये बात तो सही है, पर लेस्ट और शुड के साथ कभी नॉट नहीं आता, ये नई बात है, सीख लेना। अगर आपने कहीं पे लेस्ट और शुड यूज कर लिया है तो फिर आपको उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाना है। मैम सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, जी हाँ मैंने तो आपको बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से जोड़ा है ना, मैंने तो आपके नाम की कदर बढ़ा दी है। विनायक, ये सब क्या भेज दिया विनायक आपने, डोनट भी, नॉन वेज भी, वेज भी, पिज्जा भी, फ्रूट भी, सब एक साथ, सब्जियां भी, वाह क्या खाना बनाया है। और फैमिली मेंबर्स भी भेज दिए सारे इमोजी की फॉर्म में, टेढ़े मेढ़े सब लोग, टेढ़े मेढ़े, एक भी बराबर नहीं है, नो रह गया, समझ नहीं आया, कोई नहीं काजल बता देंगे, डोंट वरी। स्कैर्सली अपने साथ देन नहीं लेता भाई, वेन लेता है। स्कैर्सली अपने साथ देन नहीं लेता, वेन लेता है। नॉट ओनली अपने साथ, बट ऑल्सो लेता है। सिर्फ ऑल्सो लिख दिया, देखो नॉट ओनली है तो आगे होना चाहिए बट ऑल्सो। फटाफट थम्स अप डालो अगर कंजंक्शन की बात यहां तक की बन गई है तो, फटाफट थम्स अप डालेंगे सारे बच्चे। पिछले क्लास में कोरिलेटिव उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी थी, आज आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा बोर्ड पे, ये है रूल नंबर 1। ये पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूं, आप चाहो तो प्रिंट निकाल के इसे पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो पहला रूल क्या कहता है, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। जिन्हें भी कोरिलेट करते हैं वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है मैम, सीधी सी भाषा में ये नियम ये कह रहा है
मोस्ट वेलकम रितु, पढ़ाना मेरा शौक है, इंग्लिश सिखाना मेरा प्यार है, इसीलिए तो बैचेस बनाती रहती हूँ, दिन में 8-10 घंटे पढ़ा पाती हूँ। नहीं तो किसी को मजा ना आए तो वो कैसे एक ही चीज को इतनी बार पढ़ा सकता है। कंजंक्शन में लाखों बार पढ़ा चुकी हूँ, देखो फिर से पढ़ा रही हूँ और उसी एनर्जी से पढ़ा रही हूँ जैसे पहली बार पढ़ाया हो, तो इट्स माई लव। ओके, तो आप भी बहुत जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, अच्छी बात है, वो सीखेंगे। उनमें से एक की भी शिकायत आपके पास नहीं आएगी, जी मैंने गलत बैच ले लिया या मुझे दिक्कत होगी। हर बैच को पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। हाँ, थोड़ी लेट जरूर हो जाती हूँ, काम और क्लास बहुत ज्यादा है, वो भी सिर्फ इसलिए, नहीं तो और कोई कमी आपको कभी नहीं मिलेगी मेरे बैचेस में। चलो आते हैं वापस। सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का मतलब पता है क्या है बेटा? अगर आइदर शब्द के साथ नाउन जोड़ा है ना आपने, तो और के साथ भी नाउन होगा। अगर नॉट ओनली के बिल्कुल साथ प्रोनाउन लिखा है ना, तो बट ऑल्सो के बिल्कुल साथ भी प्रोनाउन ही होना चाहिए। अगर बोथ के बिल्कुल साथ एडजेक्टिव है ना, तो एंड के बिल्कुल साथ एडजेक्टिव होना चाहिए। समझ पाए क्या कह रहे हैं? ये नियम कह रहा है जितनी भी कोरिलेटिव आप इंग्लिश में यूज करते हो ना, उनके साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मैम? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। इन 8 को इंग्लिश कहती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये कंजंक्शंस कहती है हम तो हमेशा सेम लेवल के शब्दों के साथ रहेंगे। अगर पहले वाली के साथ नाउन है तो दूसरे पे भी नाउन चाहिए, पहले के साथ प्रोनाउन है तो दूसरे पे भी प्रोनाउन चाहिए। अब ये पहला दूसरा क्या है? आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, पहला दूसरा। यानी बोथ के साथ नाउन है तो एंड को भी नाउन चाहिए, इधर के साथ प्रोनाउन है तो और को भी प्रोनाउन चाहिए, नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो को भी एडजेक्टिव चाहिए। लेवल बराबर होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बराबर होने चाहिए। फटाफट बताओ कॉन्सेप्ट दिमाग में गया कि नहीं गया? ओके तीर्थ बेटा, वो एक और बच्चा था ना, देखो मैं नाम फिर भूल गई, बोल रहा था बर्थडे है, मैं यही कह रही थी तीर्थ का था बर्थडे, तो वो बच्चे का नाम मैं फिर भूल गई जो बोल रहा था फ्री बुक दे, तो मैं तो दे दूंगी बेटा, पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एक आधा बच्चे को फ्री में किताब मिल जाए, अच्छी बात है, पढ़ेगा ही वो, कुछ ना कुछ सीखेगा ही, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर कद्र करना उस चीज से, सीखना, ये नहीं कि लेकर रख लिया अरे यार फ्री में मिल गया ठीक है ना, नो, फ्री की चीज की कदर नहीं करते लोग, इसलिए मेरा विश्वास नहीं है फ्री में देने में, और कोई बात नहीं है, नहीं तो खूब हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बात ही नहीं है। ऑफलाइन वाले बच्चों को जितने भी नोट्स मैं देती हूँ, कोई पैसे थोड़ी लेती हूँ उस चीज के, पर वो मेरे सामने है, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ उसी में से। यहाँ पता ही नहीं है बच्चे ने बुक लेके रख दी के पढ़ी के किसी और को दे दी के फेंक दी, पता ही नहीं लगता। तो फ्री की चीज की दुनिया कदर नहीं करती, इसलिए मेरा विश्वास कम है, नहीं तो मैं गरीब नहीं होती हूँ देने में, डोंट वरी। हाँ एग्जाम्पल तो दूंगी ही बेटा, एग्जाम्पल तो करेंगे ही हम। देखो ये है पहला क्वेश्चन, नॉट ओनली के साथ है प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, दो बच्चों ने थम डाउन डाला था, सिर्फ दो ने, बाकी सबको समझ आ गया, तो बाकी सब और वो दो तो एक्स्ट्रा ध्यान से देखें। नॉट ओनली के साथ आ गया प्रोनाउन, तो बट ऑल्सो को भी अपने साथ क्या चाहिए? प्रोनाउन। अब मुझे लाइन में कोई दूसरा प्रोनाउन दिख ही नहीं रहा, प्रोनाउन यानी आई वी यू दे ही शी इट, समझे? तो हम क्या करेंगे, हम नॉट ओनली के साथ वर्ब ले आएंगे, मेक्स वर्ब है ना, प्रोनाउन तो लाइन में दूसरा है नहीं, हम बदल नहीं सकते, सेल वर्ब है और इधर से मेक वर्ब है, तो बट ऑल्सो के साथ मुझे वर्ब दिख रही है तो नॉट ओनली के साथ मैं वर्ब ला सकती हूं। कैसे? शी को यहां से उठा के यहां लिख दो, इससे सेंटेंस क्या बना? शी नॉट ओनली मेक्स, नॉट ओनली के साथ वर्ब आ गई, ऐसे ही बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब पहले से थी। तो आपने लाइन को ध्यान से पढ़ के एनालाइज करना है कि जो टाइप का शब्द नॉट ओनली के साथ है
वही टाइप का शब्द बट ऑल्सो के साथ चाहिए। अब एक बार बचे हुए चार आप सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा बात समझ आई या नहीं। हाँ जी दिव्यांश, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है मुझ तक, आपका बर्थडे आज ही है। ये कंफ्यूजन हो गया ना, दो लोगों ने बर्थडे लिख दिया, तीरथ ने भी और दिव्यांश ने भी। तो दिव्यांश को भी मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। जिस नंबर पे आपने ये वाला मैसेज डाला था उसी नंबर पे डाल देना कौन सी बुक फ्री चाहिए गिफ्ट के तौर पर मुझसे, आपके पास आ जाएगी। 43 पे, 43 पे मैसेज नहीं आता। अच्छा 9999118542 पे मैसेज डाल दो कौन सी बुक फ्री चाहते हो आप। दिव्यांश आज आपका बर्थडे है, मुझे याद आ गया आपने कहा था फ्री बुक दे दो मुझे, तो 9999118542 पे आप बता दो आपको कौन सी बुक चाहिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, एज योर बर्थडे गिफ्ट, कम से कम कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो जीवन में काम आएगी। ठीक है, तो मुझे कोई दुख नहीं है, बस उस किताब को पढ़ना और कुछ सीखना, इतनी ही बात है बस। जी दिव्यांश, चलो अब सॉल्व करो एक बार, मैं स्क्रीन से हट रही हूं। Then I suppose second question है, he not only plays, अगर हम ध्यान से देखें तो not only के साथ है verb और but also के साथ है cricket जो कि grammar में होता है noun। आपको सिखाया है मैंने verb भी और noun भी आपके batch में, तो not only के साथ है verb but also के साथ है noun, लेकिन होने चाहिए एक जैसे। तो अब मुझे दूसरी वर्ब तो लाइन में नहीं दिख रही, लेकिन दूसरा नाउन जरूर दिख रहा है गेम का नाम, यानी नॉट ओनली यहां से उठ के यहां अगर आ जाए तो सेंटेंस में लेवल बराबर हो जाएगा। यानी ही प्लेज नॉट ओनली टेनिस बट ऑल्सो क्रिकेट। इससे क्या हुआ, नॉट ओनली के साथ टेनिस आ गया और बट ऑल्सो के साथ क्रिकेट आ गया। जैसे ही नॉट ओनली के साथ टेनिस आया और बट ऑल्सो के साथ क्रिकेट आया, लेवल बराबर हो गया। समझे बच्चों? थर्ड, ही इज नोन फॉर बोथ, बोथ से जुड़ा है हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होना चाहिए, हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। अब क्या हो रहा है, बोथ के साथ तो हिज हार्डवर्क जुड़ा है और एंड के साथ जुड़ गया कौन, इंटेलिजेंस। तो ये तो ऑलरेडी ठीक है, कैसे मैम? एंड के साथ एडजेक्टिव है और नॉट ओनली के साथ भी हिज जो है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, ही इज नोन फॉर बोथ हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस, यानी हिज को रिमूव कर दे तो और बेहतर हो जाता है, हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही एडजेक्टिव जुड़ गए फिर आपस में। अगले में देखो, नॉट ओनली के साथ बिलीव है जो कि वर्ब है और बट ऑल्सो के साथ इन है जो कि प्रेपोजिशन है।
तो मुझे लाइन में दिख रहा है यहाँ पे इन है, तो मैं नॉट ओनली को यहां लिख सकती हूँ बिलीव के बाद, जिससे कि इन के पास आ जाएगा वो। कैसे? ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। समझे बच्चों? हम फटाफट से बताओ, इधर यू और योर टीचर, देखो ध्यान से, इधर के साथ यू है और के साथ योर टीचर है, ये तो पहले से ठीक है। इधर भी प्रोनाउन है और इधर भी आप प्रोनाउन के रूप में एडजेक्टिव मान लीजिए, बट ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ा है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट, तो लेवल बराबर है। इस तरीके से हमारे पांचों क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। फटाफट से बताओ, अगर ये बात समझ आ गई है तो थम्स अप डालो फटाफट से, सभी बच्चों के थम्स अप चाहिए, फिर मैं अगला पॉइंट समझाऊंगी। सभी के थम्स अप चाहिए। फटाफट से थम्स अप डालो। यस शनाया गुड, रविंदर कौर, निमी गुड, रूबल वेरी गुड, आदेश वेरी गुड, एमडी फरहान ग्रेट, अरे वाह सबको समझ आ गया, मौज हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आइए तो रूल नंबर टू देखो, सेकंड नियम जो है वो कंजंक्शन का ये कह रहा है कि जब भी हम इंग्लिश में एंड को यूज करना चाहते हैं, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, जब भी हम इंग्लिश में किसे यूज करना चाह रहे हैं, एंड को यूज करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, स्पोकन में गलती होती है बच्चों से इसमें, एंड अपने दोनों तरफ एक जैसा एडजेक्टिव लेता है, यानी अगर आगे कोई पॉजिटिव चीज, सॉरी एक जैसा सब्जेक्ट लेता है, आगे अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो पीछे भी पॉजिटिव, और अगर आगे नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव, यानी दो अच्छाइयों को जोड़ना है एंड लगाइए, दो बुराइयों को जोड़ना है एंड लगाइए, पर एक अच्छी बात और एक बुरी बात अगर आपस में एंड से जुड़ेगी तो गलत बात है, हमें बट लगाना है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर एंड से जुड़ रहा है तो हम बट लगाएंगे, दोनों पॉजिटिव जुड़ रहे हैं एंड लगा दो, दोनों नेगेटिव जुड़ रहे हैं बट लगा, सॉरी तो भी एंड लगा दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ रहा है तो बट लगेगा। यानी आपने किसी को कहा वो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो दोनों ही अच्छी बातें हैं, एंड लगा के बोलो। दूसरा, आपने कहा इंटेलिजेंट तो है पर गरीब है, अब ये मत सोचो गरीबी को मैं बुराई कह रही हूं, नहीं 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 नहीं, सामने वाले में जो गलती है ना वो ऐसे फट से दिखती है। गरीबी एक अभिशाप है, हिंदी में कहावत है, पॉवर्टी इज अ कर्स इंग्लिश में कहावत है, और कहावतों को सच माना जाता है, और समाज में अगर कोई गरीब जी रहा है तो निश्चित तौर पर उसको अपना जीवन जो है वो दुखों भरा लगता होगा, उसमें कोई दोराय भी नहीं है। ठीक है, तो वापस आते हैं, अगर हम किसी को कह रहे हैं इंटेलिजेंट है पर गरीब है, इंटेलिजेंट है पर गरीब है, तो ही इज इंटेलिजेंट बट पुअर, ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट चैट सेक्शन में बताओ समझ आया कि नहीं आया। दोनों अच्छी बात एंड, दोनों बुरी बात एंड, एक अच्छी एक बुरी, तो फिट हो गया बट। ये यही लिख रखा है, ये वही हमारी ग्रामर वाली रूल बुक है बेटा, ब्लैक कलर की, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मैंने कल भी आपको कहा था कि लेकर के पढ़िए, इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं, बायलिंगुअल। देखो आप, आपके सामने बुक का एक तरीके से झलक ही दिखा रही हूं मैं, तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, हिंदी भी लिखी है, रूल भी है, और नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सामने आंसर है ना। तो ये बुक हर उस व्यक्ति के लिए काम की है जो ग्रामर सीखना चाहता है, खुद से बुक पढ़ के समझना चाहता है, ये बुक बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखी है, तो आप इस बुक को लीजिए, आपको निश्चित तौर पर काम आएगी, उसी बुक की पीडीएफ में से कंजंक्शन का टॉपिक मैं आपके बैच में पढ़ा रही हूं।
तो फटाफट बताओ थम्स अप डाल के, बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। नो मैम, देर आर टू दिव्यांश इन आर बैच। अच्छा, एंड आई वाज आस्किंग फॉर, एंड आई वाज आस्किंग फॉर फ्री बुक्स इंस्टेड ऑफ बर्थडे बॉय। अब ये मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो दिव्यांश पढ़ लिया, उसको हैप्पी बर्थडे कर लिया और चलो भाई, बर्थडे वाले दिव्यांश को बुक नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम वापस लेते हैं। और बिना बर्थडे वाला दिव्यांश 9999118542 पे मैसेज डाल देना कि कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो, ठीक है? आपको उस बुक की एक्सेस दे देंगे हम, टीम का फोन आएगा, आपको बुक एक्सेस कर दी जाएगी। जी आओ क्वेश्चंस देखते हैं, एक मैं करवाऊंगी बाकी आपने करने हैं फिर। ये देखो, द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज हर्ट सीरियसली, ही वॉज नॉट हर्ट। अच्छा मैं वही सोचू, फॉर्चुनेटली लिख के हर्ट कैसे लिख रहे हैं, ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। अब ध्यान से देखो, कार से बाहर फेंक दिया, नेगेटिव बात, पर फिर भी उसको चोट नहीं लगी, पॉजिटिव बात, एंड की जगह बट होना चाहिए, ऐसे करना है बेटा। The future is yet to come, but you have a right to shape it. Future अभी आना बाकी है और आप उसे शेप दे सकते हो, ये तो दोनों ही तरफ अच्छी बात है, आगे भी अच्छी पीछे भी अच्छी, तो बट नहीं, क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। फटाफट से बताओ अगर बात समझ आ रही है तो। ये लो, ये तीन आप करके दिखाओ, मुझे खुद ही पता लग जाएगा बात समझ आ रही है या नहीं। सबके आंसर्स देखूंगी मैं, फटाफट से करके दिखाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। दिव्यांश अब मैं क्या करूं, दो दो दिव्यांश हैं, आपने लिखा ही नहीं कि मैम मुझे भी चाहिए, अभी आप कह रहे हो बर्थडे बॉय को कुछ नहीं। चलो आप भी, दोनों दिव्यांश को बुक मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों को एक्सेस दे देंगे हम बुक की। आप प्रैक्टिस सॉल्व करो फटाफट। एक बात है, हो गया बच्चों, आंसर्स तो ठीक दे रहे हो, यानी बात तो समझ आई गई है।
क्या ढूंढ रहा है तू? अच्छा एरर सॉल्व कर रहा है क्या? किस चीज का? अच्छा पोस्टिंग दे देंगे फिर तो वो, हाँ फाइनल इसमें नाम ही आ जाएगा। DRDO का प्रोसेस इतना चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया है, स्टेडी स्थिर को कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मिस्टर चैटर्जी हैज कम डाउन विद द फ्लू बट ही वुड हैव, देखो कम डाउन विद द फ्लू, फ्लू समझ रहे हो किसी बुखार को, बीमारी को कह रहा है, यानी वो बुखार से ग्रसित है फिर भी। रुको पुरानी दिख रहा क्वेश्चन, आपने सॉल्व कैसे कर दिया पूरा बिना देखे? टैलेंटेड लोग हो कमाल के है बच्चों। आगे लिखी है बुरी बात वैसे तो, फिर भी उसने हमें आज ज्वाइन करने की पूरी पूरी संभावना दिखाई, तो इस वजह से बट तो ऑलरेडी सही है। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो कह रही थी इंटेलिजेंसिया को अच्छी बात मानेंगे पर गरीबी को बुरी बात मानेंगे, तो उस लॉजिक से एंड की बजाय प्रेफरेबली होना चाहिए बट। He is slow and he is steady. Slow होना बुरी बात है लेकिन steady होना अच्छी बात है, तो and की जगह but आएगा। बच्चों सिंपल सा फंडा है, दोनों बातें अच्छी and, दोनों बातें बुरी and, एक अच्छी एक बुरी but, इतनी ही बात है बस। ठीक है चलो फटाफट thumbs up डालो अगर यहां तक की बात बन गई है हमारी, तो सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप्स की लाइन लगाएंगे अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, और अच्छा व्यवहार दिखाते हुए सब दिव्यांश को हैप्पी बर्थडे टू यू विश करेंगे। वैसे ये मेरे कहने की बात नहीं होनी चाहिए, अगर उसका बर्थडे है आपको पता है तो आपको खुद ही विश कर देना चाहिए, पर फिर भी मैं बहुत देर से चैट बॉक्स में देख रही हूं कोई दिव्यांश को विश नहीं कर रहा है, तो सब करो। चलो क्लास आगे तभी बढ़ेगी जब सारे हैप्पी वाला बर्थडे बोलेंगे दिव्यांश को, फटाफट से थम्स अप की लाइन लगा रहे हो, हैप्पी बर्थडे की लाइन चाहिए, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड दिव्यांश, ऐसे लिखो, केक टॉफी चॉकलेट जो है सब भेज दो उसे। चलो एक रूल और सिखा रही हूं फिर हम सिनोनिम्स करेंगे, बाकी हम अगले वीक करेंगे। रूल नंबर 3 है अनलेस और अंटिल का यूज, ध्यान मेरी तरफ रखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश कह रही है अनलेस और अंटिल में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि अंटिल हमेशा टाइम को दिखाएगा और अनलेस कभी भी टाइम को नहीं दिखा सकता। जहां पर भी आप टाइम को इशारा करते हुए कुछ कहना चाहते हो तब आपको अंटिल लगाना होता है, अगर आप टाइम का इशारा नहीं दे रहे हैं तो आपको अनलेस लगाना होता है। अगर टाइम की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोला या कहा जा रहा है तो लगाइए अंटिल, नहीं लगा रहे इशारा टाइम का तो अनलेस। अब बात ये आती है मैम पता कैसे लगेगा टाइम की तरफ इशारा हो रहा है या नहीं, मैम ये कैसे पता लगेगा टाइम की बात हो रही है या नहीं,
तो शॉर्टकट बता रही हूं, ध्यान में ही तरफ रखिएगा। जब भी हम अंटिल लगाते हैं ना, तो टाइम स्पेसिफाई करने के लिए, टाइम का इशारा, इशारे के तौर पे हमें लाइन में वेट शब्द दिखता है, हमें लाइन में स्टे शब्द दिखता है, हमें सीधा सीधा टाइम शब्द दिख सकता है, या फिर वो कोई टाइम लिख सकता है 2 PM, 7 PM, 8 AM, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दिस, एनी पर्टिकुलर टाइम और द वर्ड टाइम ऐप पर ब्लैक बुक मिलेगी। हाँ शंकर, ऐप पे ई बुक के फॉर्म में ब्लैक बुक अवेलेबल है, आप उसको ई बुक के फॉर्म में लेकर के पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, एक तो होता है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से बुक ऑर्डर करना, उसमें आपके हाथ में बुक ऐसे आएगी प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन अगर आप वेटिकन ऐप से बुक ऑर्डर करते हो तो वो ई बुक होती है। ई बुक यानी इलेक्ट्रिक बुक, वो ऐसे प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं होती, उसे आपको फोन में ही पढ़ना होता है। दिस इज द डिफरेंस। मटेरियल बराबर है दोनों तरफ, किताब बराबर है दोनों तरफ, पेजेस बराबर है दोनों तरफ, ज्ञान बराबर है और ऑथर भी बराबर है, फर्क इतना ही है बुक हाथ में चाहिए कि फोन में पढ़ना है, दैट्स इट। हाँ जी, तो वेट स्टे टाइम देखते ही आप समझ जाना अंटिल आएगा। कैसे? मैंने बोला वेट हेयर अनलेस आई कम, वेट हेयर अनलेस आई कम, आपके हिसाब से सही या गलत? सभी बच्चे बताएंगे सही या गलत। राजविंदर, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाई बेटा, मूव हो गया, एक बार दोबारा डाल दो। मीनिंग क्या है? दोनों का ही मतलब रचना जब तक नहीं होता है, बर्थडे विशेष जब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक दिव्यांश ना बोल दे। अब इसको कह रहे हैं जब तक नहीं, यहां अनलेस लगना चाहिए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, अश्वीर क्लास इज प्रॉपरली फाइन बेटा, रिफ्रेश योर ऐप। अच्छा रश्मि, एक्सप्लेन रहता है, चलो कल परसों में कर देते हैं फिर, डोंट वरी, कंजंक्शन आज कंप्लीट हो ही जाएगा, तो कल या परसों में हमारे पास टाइम है, टेंस का टेस्ट एक्सप्लेन कर दूंगी, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बाकी थर्सडे फ्राइडे आपका टेस्ट निश्चित तौर पे होने वाला है, चेंज नहीं होगी ना डेट ना टॉपिक। कहिए निशा, रोहतक में भी बारिश हो रही है, नेपाल में बारिश हो रही है? नहीं, नेपाल रोहतक में कोई बारिश नहीं हो रही बेटा, सिनोनिम्स कहाँ तक करेंगे। मेरे ख्याल से आपके बैच में 100 पूरे कर दूंगी आज मैं, तो 100 तक सिनोनिम्स का टेस्ट हो जाएगा, ये मान लो 100 तक के सिनोनिम्स का टेस्ट ले लेंगे। सो नहीं तेजस्विनी, रूल नंबर 4 इज नॉट वर्दी, वो रूल नंबर 3 था जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया था। रूल नंबर 4 आप सबके काम का नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। ये जो प्रैक्टिस बुक है इसमें काफी ज्यादा डिटेल में है कुछ चीजें, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें स्पोकन में और बेसिक राइटिंग में काम आती हैं, कुछ नहीं आती। तो रूल नंबर 4 आपको काम नहीं आएगा, ना स्पोकन में, ना बेसिक ग्रामर में, ना राइटिंग में। जो काम आने की चीजें हैं वो मैं आपको करा ही रही हूं। बहुत अच्छी बात है सानवी, कुछ तो सीखेगी वो भी। वैष्णवी, वैश्वी शर्मा, आप न्यू स्टूडेंट है वैश्वी? बेटा आज तो कंजंक्शन बीच में है, ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, और कल और परसों में मैं कुछ नया टॉपिक कराऊंगी ना, तो वो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। थर्सडे फ्राइडे इस वीक में टेस्ट लेने वाली हूँ वैश्वी, तो आपको उतना सा मजा नहीं आ पाएगा उसमें, है ना? तो आप ये मान के चलो कल परसों में जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प आएगी। I work hard, I may get good marks, so that ऐसे sentence बनाना बताएं। यही तो लिखा था, same तो लिखा था निशा मैंने पिछले क्लास में, he worked hard so that he can get good marks। तो ये आपके जो है वो subordinate conjunction के sentences हैं। Good evening अगमप्रीत, first day है सुभद्रा आपका भी, बेटा topic बीच में है सुभद्रा, आपको ना पिछले रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी कंजंक्शन की, आप उसे सुन लेना, फिर आपको निश्चित तौर पे आगे का समझ में आएगा। कंजंक्शन की ये 2 क्लास लिए मैंने लास्ट वीक में, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐसे मिल जाते हैं ना बच्चे को, अगर उसने बीच में भी एडमिशन लिया है तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी बेटा आपको कंजंक्शन की, कल वाली भी यानी लास्ट वीक की दोनों क्लासेस, उन्हें देख लो सुभद्रा और वैश्वी,
फिर आज की क्लास दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, और फिर आपको ऑलमोस्ट का टॉपिक का आइडिया आ जाएगा, या फिर नया टॉपिक शुरू होने का आपको सब्र करना पड़ेगा, नए टॉपिक से आपको पक्का समझ में आएगा। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर बच्चे की पूरी बात सुनती हूँ, समझती हूँ और पूरी उसकी हेल्प करती हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस ईमानदारी से मुझे सुनना, कुछ 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 तो आज भी समझ में आएगा, ठीक है। रचना वो होमवर्क था, सामने ही आंसर थे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे और मैच भी हो गए होंगे। कोई एक आधा नहीं भी हुआ है तो आप उसका नंबर डाल दो, कौन से नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, आई विल एक्सप्लेन दैट वन। रूल नंबर 5 पे चलते हैं बेटा, द रीजन दैट और द रीजन वाई। बेसिक सी बात यह है कि जहां पे इंग्लिश में रीजन शब्द आ जाता है, ध्यान से सुनना, जहां पे इंग्लिश में रीजन शब्द आ जाता है कभी वो अपने साथ बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू या ओइंग टू का यूज नहीं करता। तो हमारे बच्चे को सिर्फ इतना ही चेक करना है कि रीजन सेंटेंस में है या नहीं है। अगर रीजन शब्द आपके सेंटेंस में गिवन होता है तो कभी भी आपने उसके साथ बिकॉज ऑफ या ओइंग टू नहीं लगाना होता, ना ही ड्यू टू लगाना होता है। इसमें से कोई भी शब्द का यूज आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, द रीजन प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज, अगर आपने रीजन बोल दिया है तो आपको बिकॉज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही रूल है। इंग्लिश की एक लाइन में रीजन और बिकॉज एक साथ नहीं आते हैं। ओके भावना, कांग्रेचुलेशंस बेटा। हाँ जी, तो रीजन शब्द देखते ही बिकॉज नहीं हो सकता। देखो रीजन जहां पे आ गया बिकॉज नहीं हो सकता, अगले में भी देखो रीजन आ गया इसलिए बिकॉज नहीं हो सकता। देखो रीजन बोल दिया तो आपको इसमें बिकॉज नहीं है, द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज दैट शी हैज बिट्रेड माय फ्रेंड, इसमें कोई एरर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि रीजन बोल रहे हो तो वाई के बिना भी बात बन जाएगी, द रीजन आई डोंट हैव, द रीजन आई डोंट हैव, वाई नहीं भी बोलोगे तो बात बन जाएगी। द रीजन दैट आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय टास्क इज माय बिजी स्केड्यूल, द रीजन दैट, इसमें भी बिकॉज नहीं है, ड्यू टू ओइंग टू कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो बेटा बड़ा सिंपल और प्लेन सी तो बात है, रीजन का मतलब भी कारण, बिकॉज का मतलब भी कारण। ओके भूमि, आपका बेटा चैट का नाम भावना आता है ना, तो दैट्स व्हाई आई स्पीक अप लाइक भावना भगवानी। ऑलराइट भूमि, हाँ जी बच्चों आ जाओ वापस। तो हमने बेसिकली रीजन और बिकॉज को एक साथ यूज नहीं करना है, दैट्स इट। अगर रीजन इंग्लिश में आ गया बिकॉज मत बोलो, बिकॉज आ गया तो रीजन मत बोलो, इतनी सी ही बात है बस। ऑलराइट बच्चों, कम टू रूल नंबर 6, बहुत आसान है, ध्यान मेरी तरफ रखना, वो दोनों नए बच्चे भी, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग और सिंपल सा रूल है, ध्यान मेरी तरफ रखो निश्चित तौर पर समझ में आएगा। सपोजिंग तथा इफ दोनों के साथ, सपोज के साथ कभी इफ नहीं आता, सिंपल फंडा, क्योंकि सपोज का मतलब भी अगर और इफ का मतलब भी अगर, तो सपोज के साथ कभी इफ का यूज नहीं होता है, सपोज के साथ कभी भी इफ का यूज नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश में सपोज बोल रहे हैं तो इफ का इस्तेमाल ना करें, अगर इफ बोल रहे हैं तो सपोज का यूज ना करें, बस इतनी ही बात है। सपोज और इफ को एक साथ मत लगाओ, निनु मिनु सा रूल है, बिल्कुल प्यारा सा टिग्गू सा, इतना ही देखना, सपोज है तो इफ हटा दो, इफ है तो सपोज हटा दो, दैट्स इट, है ना। आओ दिखाती हूं, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड, देखो सपोज के साथ इफ तो नहीं आएगा, सपोज इफ इट रेन्स इफ तो नहीं आएगा, सपोज इफ आई टेक इफ तो नहीं आएगा, सपोज इफ यू आर नहीं आएगा, सपोज इफ आई नहीं, कितना कितनी आसान सी बात है। अब ये एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन क्यों लिखे मैम, फिर 90% लोग स्पोकन में बोलते हैं सपोज इफ आई विल हेल्प यू विल यू गो देयर, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो जहां सपोज बोल रहा हूं उसके साथ कभी इफ मत बोलना। आज तक तो स्पोकन में बोल लिया, आज के बाद मत बोलना, ग्रामेटिकली गलत होता है। इंग्लिश कह रही है सपोज और इफ तो एक जैसे शब्द है, एक साथ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे, है ना, बहुत आसान सा। फटाफट थम्स अप डालो सारे बच्चे, सभी बच्चे थम्स अप डालो फटाफट, तब तक मैं रूल नंबर 7 पे आ गई हूं। थम थम जप जप सभी की तरफ से फटाफट से।
दूसरा बॉक्स देखना बंद हो गया मंजीत। ओइंग टू का मतलब रीजन होता है, क्योंकि, ओइंग टू क्योंकि को दिखाता बेटा। सबके थम्स अप आ गए। हाँ ये सबसे मस्त वाला रूल है, जो आसान है वही मस्त है ना बच्चों। आ जाओ रूल नंबर 7, लाइक देखो सिंपल भाषा में लिखती हूँ, जहां भी इंग्लिश में लाइक का यूज होता है ना उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और जहां भी एज का यूज होता है उसके साथ सब्जेक्ट आता है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मैम? हालांकि प्रोनाउंस में हमने पढ़ा है आई सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, अस इसका ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है और यू ही ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश कह रही है एज आए तो सब्जेक्ट लगाओ और लाइक आए तो ऑब्जेक्ट लगाओ, इतना ही है बस। एज आए तो सब्जेक्ट लगाओ और लाइक आए तो ऑब्जेक्ट लगाओ। क्या आएगा लिखो सारे कमेंट सेक्शन में, एज आए तो सब्जेक्ट लिखो और लाइक आए तो ऑब्जेक्ट लिखो, एज आए तो सब्जेक्ट लिखो, लाइक आए तो ऑब्जेक्ट लिखो, इस तरीके से लिखिए। एज आएगा तो सब्जेक्ट लगाना है, लाइक आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, एज आए, एज वी, एज ही, एज शी, ऐसे लाइक मी, लाइक यू, लाइक हिम, लाइक हर, समझे? लाइक आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाना है। हमेशा कहते हैं ना आई लाइक हिम, आई लाइक हर, आई लाइक यू, बहुत से लोग कहते हैं आई लाइक मी, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, खुद को खुद ही पसंद करना होता है, दुनिया तो आसानी से पसंद करेगी नहीं, तो आई लाइक मी इज ऑल्सो फाइन। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइक अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो मी ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए जहां भी लाइक बोलते हो उसके बाद मी ही आता है, हिम ही आता है, हर ही आता है, देम ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता आई लाइक वी, आई लाइक शी, ऐसे नहीं होगा, आई लाइक हर। तो जहां पे भी लाइक बोलो उसके साथ निश्चित तौर पे ऑब्जेक्ट बोलना याद रखेंगे, समझ गए बच्चों? पर अगर एज बोलोगे तो उसके साथ सब्जेक्ट लगाना याद रखेंगे, एज आई, एज शी, एज ही, एज हर होगा तो गलत, लाइक हर होना चाहिए, एज शी होना चाहिए, समझ गए? तो जहां भी लाइक आएगा ऑब्जेक्ट बोलना, जहां भी एज आएगा सब्जेक्ट बोलना। चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ अब मंजीत, ये कट कर लेना लाइक और एज वाला कॉन्सेप्ट, अभी टाइम नोट कर लो। चलो बेटा 5 क्वेश्चन है, एक मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी आप करोगे। अरे वाह, मेरे वाला तो बहुत आसान है। लाइक देखते ही सब्जेक्ट आ गया, हिम होना चाहिए, क्योंकि लाइक के साथ ऑब्जेक्ट आता है, एज के साथ सब्जेक्ट आता है। मैम ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, वैश्वी शर्मा, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं बेटा। बाकी आप मुझे 5-7-10 दिन सुनो, हिंदी बनाना छोड़ दोगे, सीधा सीधा इंग्लिश समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि हिंदी के चक्कर में पढ़ते हैं बेटा तो बेसिक नहीं सुधरते। आज आपका पहला दिन है ना वैश्वी, बस धैर्य रखना, पेशेंस रखना, निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश समझ आने लग जाएगी, घबराना मत, बस बाकी सब मैं देख लूंगी। आप शांति से बस रोज क्लास लगा लो, बाकी सब मैं देख लूंगी। चलो अब सारे सॉल्व करो फटाफट।
क्योंकि एक बच्चे की अंदर की संतुष्टि जरूरी है तो ही उसका मन लगेगा। चलो सबने सॉल्व कर लिया, आओ आगे बढ़ते हैं। लाइक द कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट न्यू कैंडिडेट्स, इट विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ, कोई एरर ही नहीं है। लाइक के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कमीशन, तो नाउन तो सेम रहता है, लाइक नेहा एज नेहा, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम होता है, तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नो वन मेक्स चॉकलेट्स केक लाइक माय मदर, अगर आप इधर माय मदर लिख रहे हो तो वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए लाइक नहीं आता, एज आता है। ही कांट प्ले क्रिकेट लाइक ही, लाइक नहीं, सब्जेक्ट आ गया है तो क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। ही कैरीड एन अम्ब्रेला लाइक एवरी वन शुड डू, फिर से एवरी वन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एज एवरी वन। तो बेसिकली यहां लाइक का हिम किया मैंने, लाइक को देखते हुए, यहां पे भी आप एज कर सकते थे, एज ही भी कर सकते थे आप, जैसे यहां मैंने लाइक को एज 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 बना दिया, ठीक है। ये लो, ये लास्ट रूल है कंजंक्शन का, यहां कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक आपका। प्रेपोजिशंस आ गया, प्रेपोजिशंस अभी नहीं शुरू करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक होता है, पहले कंजंक्शंस की प्रैक्टिस निपटाएंगे। ये लो, दिस इज द लास्ट रूल फॉर अस, रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट मेंशन पोर्ट्रे व्यू नो, इन सबको कभी भी बोलोगे ना तो उसके साथ एज पक्का बोलना है, जबकि नेम थिंक कंसीडर इफेक्ट अपॉइंट कॉल मेक चूज के साथ कभी एज नहीं बोलना है, बस इतनी सी ही बात है। मतलब कहीं पे बोल रहे हो रिगार्ड तो एज बोल दो, कहीं बोल रहे हो डिस्क्राइब तो एज बोल दो, लेकिन कहीं बोल रहे हो अपॉइंट तो उसके साथ एज मत लगाओ। जबकि मैं बड़े सारे लोगों को देखा इस तरीके से बोलते हुए, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, जबकि अपॉइंट उन वर्ब की लिस्ट में है, देखो ध्यान से चेक करो, जिनके साथ एज नहीं आता है। सभी बच्चे अपने अपने चैट बॉक्स में, अपने अपने कमेंट सेक्शन में, अपने अपने चैट वाला जो आपको स्पेस मिलता है उसमें ये सारी वर्ब लिखो, एज नहीं आएगा, ये सारी वर्ब्स लिखो हमेशा एज आएगा, लिखो फटाफट। ऊपर वाली लिस्ट लिखो, रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट मेंशन पोर्ट्रे, ये सारे नाउ सारे के सारे शब्द लिखो और साथ में ऐड कर दो एज नहीं आएगा, क्या ऐड कर देंगे साथ में, एज नहीं आएगा। ओ सॉरी मैं गलत बोल गई, ये रिगार्ड वाली लिस्ट में तो एज आएगा, अपॉइंट वाली नेम थिंक वाली में नहीं आएगा, ऐसे लिखो अपॉइंट नेम थिंक कंसीडर में नहीं आएगा। सभी बच्चे वर्ब को लिखेंगे, लिखने से चीजें याद होती हैं बेटा, रिवीजन से याद होती हैं, जितना हो सके लिखो रिवाइज करो, जब जब हो सके रिकॉर्डेड क्लास सुनो। गुड मॉर्निंग रश्मि गुप्ता, रानी गर्ग बहुत बढ़िया, रानी गर्ग कभी छुट्टी नहीं करती हैं क्लास में, ऑलमोस्ट मैंने बच्चे का नाम पढ़ा है हमेशा, तो इट इज वेरी वेरी गुड। यस मनस्वी गुप्ता ग्रेट, वेरी गुड ज्योति मंगला, अंजनी के कुमार बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग साहिल, आर्या, आकाश सिंह, रिया कुमारी, रितिका, काजल गोयल, नैना पटेल,
कीप राइटिंग कीप राइटिंग, राइट डाउन करोगे ना तो ये चीजें याद होने लग जाएंगी। रिगार्ड वाला लिस्ट देखते ही एज लगाना है, नेम वाला देखते ही एज हटा देना है, दैट्स इट। कम लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। ये देखो, वुड यू रिगार्ड, रिगार्ड के साथ तो एज आएगा, वुड यू रिगार्ड दिस एज गुड या फिर वुड यू रिगार्ड एज दिस गुड। ये देखो, रिगार्ड के साथ तो एज आएगा। शी वुड नॉट डिस्क्राइब एज हिम, ओ सॉरी एज तो लगा, ये रहा, शी वुड नॉट डिस्क्राइब हिम एज बीइंग टॉल। यहां क्या हो रहा है, रिगार्ड दिस एज गुड, यहां पे डिस्क्राइब है तो एज ऑलरेडी सही है क्योंकि डिस्क्राइब के साथ भी एज लगेगा, डिस्क्राइब के साथ भी एज लगेगा, राइट। ये लो बाकी तीन आप ट्राई करो। बाकी तीन आप ट्राई करो फटाफट। He was appointed as chairman. He elected him as captain. Considered it as a fact. बाकी आप करके बताओ जल्दी। Hello बच्चों, how are you all? Audio video clear है तो reply करें फटाफट से। Yes ma'am, ABC. लोग बोलते हैं एबीसी तो हम बोलेंगे एबीसी, ऑडियो वीडियो क्लियर। यस प्राची, अन्विता, जिया गुप्ता, तीरथ अग्रवाल, हरीश, साहिब प्रीत, वैश्वी शर्मा, अन्विता गुप्ता। आई रीड इन फिफ्थ क्लास नहीं होता अन्विता बेटा, आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास होता है, नॉट एबीसी, इट्स एबीसी, ऑडियो वीडियो क्लियर। वो टेस्ट वाला मैसेज नहीं पढ़ पाई, आप वहां जाएं और आपका बैच कौन सा है, मैं नहीं समझ आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। चलिए सबकी तरफ से ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आपको मेरी बैक स्क्रीन पे कंजंक्शन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिखाई दे रही होगी। कल हमने कंजंक्शन के चैप्टर को कंप्लीट किया था, कल हम कंजंक्शन के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैंने आपको रूल बुक से टॉपिक पूरा पढ़ने को कह दिया था तो एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो ठीक है विजया, दैट्स ग्रेट। सात्विक, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो वीडियो क्लियर, दिस इज नॉट एनी डिस्कशन अबाउट एबीसी और ए टू जी। ओके सलोनी, हाय हाउ आर यू। तो आज हम कंजंक्शन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कल हम सिनोनिम्स की सेंचुरी पूरी कर चुके हैं तो आज हम इडियम्स करेंगे, प्लस इस थर्सडे और फ्राइडे को आपका टेस्ट है। कल ही मैं अनाउंस कर चुकी हूँ, अपनी तैयारी पूरी पूरी रखिएगा। एक तो मैं आपका टेस्ट लेना चाह रही हूँ नरेशन का, एक मैं लेना चाह रही हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज का, और एक मैं लेना चाह रही हूँ 100 सिनोनिम्स का। तीनों टेस्ट के बारे में कल ही आपको क्लास में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था तो जो बच्चे आज सुन रहे हैं, कल नहीं सुन पाए थे, वो कल की वीडियो को अच्छे से सुने, उन्हें पता लग जाएगा टेस्ट किस चीज का है। और टेस्ट सभी के लिए देना कंपलसरी है, बिना टेस्ट के मुझे ये पता लग ही नहीं सकता आप क्या सीख रहे हो। मैं अगर चार दिन पढ़ा रही हूं तो एक दिन टेस्ट लेने का हक रखती हूं, यानी मंडे टू फ्राइडे में से अगर मैं एवरी फ्राइडे भी टेस्ट लूं तो आई हैव गॉट द राइट टू टेक टेस्ट, बिकॉज आपसे ज्यादा मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं चार दिन, तो एक दिन तो आपको आपकी मेहनत दिखाने का होना भी चाहिए। टीचर का भी तो देखने का हक होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। चार दिन मेरी मेहनत आप देखते हो तो एक दिन तो मेरा भी हक बनता है आपकी मेहनत चेक करने का। तो इस थर्सडे को और फ्राइडे को निश्चित तौर पर टेस्ट होगा, सभी बच्चों को टेस्ट देना कंपलसरी है। जो टेस्ट नहीं देंगे, जो तैयारी नहीं करेंगे, जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, उन्हें कुछ ना कुछ सजा मैं पक्का दूंगी। पता लगता है हमें ऐप पे, इतने बच्चों का एडमिशन था उसमें से इतनों ने टेस्ट दिया इतनों ने नहीं दिया, तो मुझे पता लगेगा किस किस ने टेस्ट नहीं दिया है, तो उसे कुछ ना कुछ सजा पक्का रहेगी। जो टेस्ट में रैंक 1 लाएंगे उन्हें इनाम रहेगा, मैं उनसे 1-to-1 जूम पे बात करूंगी।
वीडियो कॉल की जाएगी मेरी तरफ से उन बच्चों को और हम इंटरेक्ट करेंगे. तो दिस इज द प्राइज ऑफ एवरी टेस्ट एज यू गेट रैंक 1 or 2 or 3. तो हम निश्चित तौर पे आपसे बात करते हैं. कहा था आईईओ भावना सिलेबस बताना. मेरा सिलेबस आ गया है मैम. अच्छा ठीक है बेटा, 9999118542 पे भेज देना सिलेबस, मैं देख लूंगी. जी रानी, थैंक यू, यू आर अ वेरी नाइस गर्ल रानी. सानवी इज ऑल्सो वेरी क्यूट लिटली पिटली गर्ल. सानवी से तो मैंने वीडियो कॉल पे बात भी की थी इसलिए मुझे याद है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है. आइए तो क्या हम प्रैक्टिस शुरू करें. क्वेश्चन नंबर 59 से शुरू कर रही हूं क्योंकि बेसिक ग्रामर में फिलर्स आपको आने चाहिए कंजंक्शन के. कल एक बच्चे ने यह भी तो कहा था कंजंक्शन का यूज सिखा दो, इसलिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लाई हूं ताकि प्रैक्टिस की मदद से आपको यूजेस सिखाए जा सके, कहां पे कौन सी कंजंक्शन आई और क्यों आई. तो इसमें हमें कंजंक्शन से फिल करने हैं तो इससे उस बच्चे को जवाब मिल जाता है जिसने कल मुझे जाते हुए कहा था कि मैम बताइए कंजंक्शन का यूज बताइए, ये यहां क्यों लगा वो यहां क्यों लगा. तो हम इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उसमें आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ जाएगा मैंने यही कंजंक्शन क्यों लगाई और ये क्यों नहीं लगाई. इट्स ओके सयन दास, बेटा रिकॉर्डेड है आपके पास, यू कैन गो फॉर दैट. नाउ लुक एट द बोर्ड केयरफुली. भावना फ्राइडे को नरेशन का होगा बेटा, सॉरी थर्सडे को नरेशन का होगा, फ्राइडे को मॉडल्स और सिनोनिम्स का टेस्ट होगा. He waited for me dash I came back. Until के सिवाय कुछ नहीं आ सकता क्योंकि समय की बात हो रही है और जब तक नहीं कहना है. The patient had died before the doctor arrived. आप सबको मैं टेंस में सिखा चुकी हूं, before से पहले had plus third form आता है, before के बाद second form आता है. तो उस logic से the patient had died before the doctor arrived. 5 years have passed since आएगा क्योंकि सिंस हमेशा अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में हैज अ थर्ड फॉर्म लेता है और अपने बाद में सेकंड फॉर्म. जहां भी हम सिंस का यूज करते हैं सिंस अपने से पहले हैज अ थर्ड फॉर्म लेता है और बाद में सेकंड फॉर्म लेता है. बिकॉज और इफ में कंफ्यूजन है बेटा, बिकॉज रीजन को दिखाता है और इफ कंडीशन को. बिकॉज कहेगा क्योंकि तुम फेल हो गए, क्योंकि तुम फेल हो गए इसलिए मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा. जबकि रीजन कहता है अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा. समझ गए? तो कंडीशन कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ इशारा करती है और बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ. ये क्लियर सा फर्क होता है. ओके बच्चों, हरगढ़ सर, हाँ हरगढ़ सरकारी बैच शुरू हो चुका है बेटा. कोई गुप्ता गुप्ता था आगे मैं पढ़ नहीं पाई. हरगढ़ सरकारी 2.0 शुरू हो चुका है, कल उसका पहला दिन था आज दूसरा दिन है. और इंग्लिश स्पोकन का मैं शुरू कर रही हूँ 25 अगस्त से. और अगर आपके थ्रू किसी का एडमिशन होता है तो उसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहेगा. ठीक है, जो ऑलरेडी मेरा बच्चा होता है, जो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट होता है और उसके कोई नोन में कजन में ऐसे कोई एडमिशन लेता है तो उसका हम निश्चित तौर पे कुछ रिड्यूस कर देते हैं फी में. तो वो मैं आपको 21, 22, 23, 24 अगस्त के आसपास बता दूंगी जैसे ही मैं बैच को शुरू करूंगी. तो इंग्लिश स्पोकन आप में से जो जो सीखना चाह रहे हैं 25 अगस्त को आएगा बेटा बैच. नया बैच होगा, जीरो से शुरू होगा, शाम का टाइम होगा ताकि सुबह आप अपना स्कूल कॉलेज घर के काम जो भी कर रहे हो कर लो, शाम में आप अच्छे से पढ़ लो. हरगढ़ सरकारी बैच सुबह 12 बजे चलता है और जो स्पोकन शुरू करूंगी वो शाम में शुरू करूंगी 5:30 के आसपास या 5 बजे के आसपास, मतलब 5, 5:30 के आसपास. आपके बैच को 4 से 5 फ्री करती हूँ ना, तो 5 बजे, 5:15, 5:30 ये टाइम पे वो स्पोकन का बैच में शुरू करूंगी जिससे इस बैच के बच्चों को भी अगर स्पोकन अटेंड करनी हो तो उनका अटैच हो जाए. ठीक है बच्चों, तो 25 अगस्त से होगा जो पूछ रहा था कि स्पोकन कब होगा. बाकी फी टाइमिंग वो सब मैं आपको बताऊंगी जब फाइनल हो जाएगा तब. नीदर द फादर, नीदर के साथ तो सिर्फ नोर आता है, बोथ के साथ एंड आता है. नीदर और नोर का पेयर है, बोथ और एंड का पेयर है. ये लो, अब ये ट्राई करो आप सब. पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी. ओके अंजलि, अपने ब्रदर को बोलो 25 अगस्त से बैच आएगा, मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखता सुनता रहे, वहीं पे अनाउंस करने आऊंगी बैच के बारे में, फी भी बताऊंगी, फी भी बताऊंगी उसमें,
1 आवर का वो बैच रहेगा, फी अभी मैंने नहीं सोची और एग्जैक्ट टाइम नहीं सोचा, हाँ शाम को होगा ये मैं सोच चुकी हूँ। हाँ आशा, अगर आप लेते हैं तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। मेरे जो बच्चे होते हैं उन्हें मैं पहले ही एक या दो दिन पहले ही मौका दे देती हूँ कि जी कल मैं बैच अनाउंस करूंगी, आप में से जो इंटरेस्टेड है आज ही आप करा लीजिए इतने में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बेटा पहले से ही अलग से राइट्स दूंगी। तो आप सबने शार्पली अटेंटिवली मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलो करना है। सब जगह मैं वेटिकन के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं नेहा के नाम से हूँ, इंग्लिश वाली नेहा मैम इस नाम से मेरी आईडी है। तो आप उधर मुझे फॉलो करिए, इन्हीं किन्हीं जगह पे मैं आके अनाउंस करूंगी, आपके बैच के अंदर भी बताऊंगी वैसे तो, पर फिर भी इन सब जगह पे भी आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे बारे में और जान पाएंगे। चलिए, कीप डूइंग, कीप सॉल्विंग। नहीं टुमारो नहीं है मानव, इट विल बी ऑन थर्सडे, टुमारो इज वेनसडे, योर टेस्ट विल बी ऑन थर्सडे नॉट ऑन वेनसडे। मंजीत एक बार अनिकेत को कॉल करके बोलो, उसके स्टूडियो के कट पेंडिंग है। क्यों आज? अच्छा मुझे पता ही नहीं, इससे तो हो ही नहीं पाएगा फिर। अनिकेत वाले कट फिर जतिन को दो, उसके फ्लोर पे मैंने कोई कट नहीं बताया पिछले 2 दिन में, उसे बोलो कॉल करके कि अनिकेत वाली क्लासेस सुने और कट डाले ग्रुप में। उसने ग्रुप में भी नहीं डाला क्या अनिकेत ने, वट टू कट में नहीं डाल रखा? एक तो शायद यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का था आज, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कल और आज में हरगढ़ सरकारी बैच का था। अच्छा पूरा नहीं दिख रहा, चलो मैं कराती हूँ। ऑल दो के साथ इंग्लिश में आपने हमेशा ही, वैसे तो आजकल येट और बट कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ कोमा से काम चला लेते हैं, तो हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑल दो और दो के साथ सिर्फ कोमा लगा देते हैं। मेक हैस्ट अदरवाइज, नहीं तो, अदरवाइज का मतलब नहीं तो है, हैस्ट का मतलब जल्दी, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन बस छूट जाएगी, तो नहीं तो चाहिए इसलिए अदरवाइज। आई वॉन्ट टू नो किसने मुझे बुलाया है, तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हु और हुम से पूछते हैं, सब्जेक्ट को दिखाना हो तो हु और ऑब्जेक्ट को दिखाना हो तो हुम, यहां तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, मेरा नाम किसने बुलाया, तो इट शुड बी हु। Yes, it is costly, yet we have bought it. Yet लगाए तो although के सिवाय हम कुछ लगा नहीं सकते। देखो एक टाइम होता था जब although और दो के साथ yet और but पक्का आता था, आजकल सिर्फ कोमा से काम चला लेते हैं, ठीक है। टीचर्स डे इज ऑन 5th of September, नॉट टूडे बेटा, नॉट टूडे। बर्थडे वाले दिव्यांश ने अभी तक 8542 पे बताया नहीं है कि उसे कौन सी बुक चाहिए, अगर वो बुक बताता तो मैं अब तक उसको अलॉट करा चुकी होती ऐप के ऊपर, तो बाद में मुझे नहीं कहना कि मैम आपने प्रॉमिस नहीं निभाया, आप बता नहीं रहे हो व्हाट्सअप करके कौन सी बुक चाहिए। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज डैश द, हार्डली के साथ वैन आता है हमेशा, हार्डली और स्केर्सली के साथ वैन आता है। मेक हे होता है सूखी हुई घास का ढेर, वाइल आएगा, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसको हिंदी में कहते हो बहती गंगा में हाथ धोना। शी इज नॉट ओनली, नॉट ओनली देखते ही समझ जाओ बट ऑल्सो आने वाला है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपस में पेयर है, नो और दैट आपस में पेयर है, नो देखते ही समझ जाओ दैट आने वाला है, नो दैट आपस में पेयर है। ये लीजिए, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगी। सभी के आंसर्स दिखने चाहिए मुझे,
मैं स्क्रीन से हटी हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। हाँ जी हो गया आई थिंक। आओ देखते हैं, मार्क कर देना बेटा, उधर रख दिया मैंने। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर अनलेस आएगा, क्योंकि मैंने कहा था अनटिल सिर्फ वहां लगाएंगे जहां टाइम की बात होती है, और टाइम की बात होने के लिए वेट स्टे ऐसे हिंट हमें मिलेंगे। हिंट हमें नहीं मिल रहे यानी कि टाइम की बात नहीं हो रही, टाइम की बात नहीं हो रही तो अनलेस आएगा, अनलेस कंडीशन को दिखाता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है बच्चों, मतलब अप टू नाइन्थ और टेंथ क्लास आपको यही लेवल का कंजंक्शन आएगा। आपका टीचर बस क्या करेगा, नो सूनर लिखेगा और उसके साथ ये वाला देन लिख देगा, तो आपका ध्यान जाना चाहिए ई एन वाला नहीं, मैम ने बताया था ए एन वाला देन आएगा। नो सूनर के साथ देन का पेयर होता है, बस यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। द थीफ रैन अवे, भागा, शुड देखते ही समझ जाओ लेस्ट आएगा। आपको सिखा चुकी हूं लेस्ट और शुड का पेयर होता है,
डैश यू कम आई शेल गो, अगर तुम आओगे, अगर, अगर यानी इफ, यहां मैंने हिंदी मीनिंग को देखा है, अगर यानी इफ, इधर है तो निश्चित तौर पे, आइदर के साथ तो पक्का क्या आता है, और आता है, आइदर और, हमें कोई और डाइवर्जन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमें और लगा देना है। लो बेटा नेक्स्ट ट्राई करो क्विकली, देन आई विल टेल आंसर्स। Try this. चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वुड रेदर, रेदर देखते ही आप समझ जाओ देन आएगा, रेदर देखते ही समझ जाओ देन आएगा। ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम, देयर फोर वो थका हुआ था इसलिए घर चला गया, इसका मतलब तो से होता है, टी एच एन देन तो से होता है, देयर फोर का मतलब होता है इसलिए। Do you know who? कौन है वो? कौन के लिए तो who ही लगेगा। Dash you apologize, I shall punish you, unless जब तक आप माफी नहीं मांगोगे आपको सजा मिलेगी। Two months have passed since, have passed second form, बीच में आ गया since। Reason क्योंकि since अपने से पहले has have third form लेता है और अपने बाद में second form। समझ रहे हो बच्चों, टेंस में सिखाई है ये बात तो मैंने आपको, इसलिए कंजंक्शन में रिपीट नहीं की, टेंस से शुरू किया था आपके बैच को, याद करो पहला टॉपिक था ना हमारा, ये लो। नाउ नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, मैं बस ये चाहती थी आपको एक बार आज कंजंक्शन से फाइनली गुजार दूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें करना आ रहा है या नहीं, वो प्रैक्टिस ही बताती है ना बेटा। लो Start doing again.
अच्छा ना, किसी और ने किया है? अच्छा इससे पता लगता है आप कितने डिमांड में हो। हाँ जी बच्चों आओ सॉल्व करें, हो गया होगा मेरे ख्याल से। ही रैन हार्ड डैश ही शुड मिस द ट्रेन, शुड देखते ही समझ जाओ लेस्ट आएगा। नो अदर इंग्लिश में हमेशा देन के साथ आता है। देखो ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर अपने आप को डराना है तो भाई कितना ही डरा लो, नहीं तो वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। आप सिर्फ मेरी ये दो तीन क्लासेस को रिपीटेडली सुन लो, निश्चित तौर पे आप किसी भी क्लास का अगर आप कंजंक्शन अटेम्प्ट करते हैं आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब इसमें भी देखो रेदर देखते ही हमें सीधा पता लग रहा है देन आना चाहिए। फिर से नो सुनर दिख रहा है, नो सुनर देखते ही समझ जाओ क्या आएगा, टी एच ए एन वाला देन आएगा। हार्डली स्केर्सली के साथ तो वेन आता है, हार्डली स्केर्सली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है। तो हार्डली देखते ही हमने क्या लगा दिया, वेन लगा दिया। ऑलराइट दिस इज द वे ऑफ डूइंग बेटा। नाउ ट्राई नेक्स्ट, वी हैव डन अप टू 86, नाउ यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 87। 91 इज द लास्ट आई थिंक सो, लेट मी चेक। नो 91 इज नॉट लास्ट, चलो इवन देन वी आर टू ट्राई। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, स्टार्ट डूइंग इट, जल्दी से करो। एक ही गलत हुआ, कोई बात नहीं अंशिका, एक तो गलत होना भी चाहिए, काला टीका भी तो जरूरी है, नहीं तो नजर लग जाएगी, सीएचएसएल तो निकाल देगी। बना रहे हैं बच्चों, चलिए आओ अब मैं देखती हूँ, आपके तो थम्स अप आ गए। नीदर देखते ही हमारा आंसर हो गया नोर, नॉट ओनली देखते ही हम समझ गए आना है बट ऑल्सो, बोथ देखते ही हम समझ गए आना है एंड, इधर देखते ही हम समझ गए आना है और, है ना इजी। अप टू 90 डन, नाउ यू शुड गो 91 टू 95। Here you go. Start it again.
फटाफट सॉल्व करो। ज्यादातर बच्चों के आंसर ठीक है। देखो प्रैक्टिस का सबसे बड़ा पर्पस होता है आपको ये एहसास दिलाना कि टॉपिक आ गया है, तो फील करके देखो, अपने आप से पूछो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, सही हो रहे हैं नहीं। अगर सॉल्व हो रहे हैं और सही हो रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपका टॉपिक तैयार हो चुका है। बाकी बची कुची कसर आपको टेस्ट में पता लगी जाती है, क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। तुम्हारी उम्र का बच्चा मतलब इन चीजों में बहुत उलझा रहता है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, इस बहुत उलझे रहते हैं, आज ये हो गया उधर हो गया। कंप्लीटेड आ गई, फिर मैं भी मैदान में। ही इज स्लो बट, स्लो मतलब धीरे, स्टेडी मीन्स लगातार, वो धीरे है लेकिन लगातार चलता है, लेकिन बट डैश देर इज लाइफ, वाइल वाइल देर इज लाइफ देर इज होप। यू नहीं कहते जहां चाह वहां रहा, उम्मीद है तो जीवन है, इस तरीके से। वी हैव नेवर सीन हिम, वी हैव नेवर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म बता रहा है कि सेंस होगा। पता है क्यों? थोड़ी देर पहले भी तो मैंने कहा था, सेंस अपने साथ एज एव थर्ड फॉर्म लेता है, बाद में सेकेंड फॉर्म लेता है। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये कहावत है, इंसान बनाता है भगवान गिराता है। अब आपको लगता होगा अरे बनाता तो इंसान है, तो बनाता तो भगवान है, गिराता है इंसान है, ये उल्टा क्यों बता रहे हो आप? नहीं नहीं सपोज जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, इसमें 5 फ्लोर हैं कि 6 फ्लोर हैं, पता नहीं मैंने गिने नहीं, 5 या 6 फ्लोर हैं बेसिकली। तो उसमें अगर हम कह रहे हैं मैन प्रपोजेस, तो किसी आदमी ने बनाई है ना ये बिल्डिंग। अब भूकंप आए तो आदमी के हाथ में तो नहीं है, ऐसे गिली गिली छू करे बिल्डिंग गिर जाए, तो गॉड डिस्पोज ही करता है, बनाता है भगवान, और बनाता है इंसान और डिस्पोज कर देता है उसको भगवान। बेसिकली ना ये कहावत नेचुरल क्लाइमेटीज से रिलेटेड है। नेचुरल क्लाइमेटीज समझते हो, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं करके आपको ज्योग्राफी में साइंस में पढ़ाते हैं। हाँ अर्थक्वेक वोल्केनोस जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे ऐसा माना जा रहा है यहाँ से, मतलब हालांकि दे आर ऑल्सो साइंटिफिक, बट कहावतों में इतना लॉजिक थोड़ी ना जाते हैं। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, इंसान बनाता है भगवान गिराता है। मतलब हम फेल हो जाते हैं तो हम किस्मत को नहीं कोसते, ये वैसी सी बात है, हम अपनी मेहनत को कोसने की बजाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान तो मेरा कुछ अच्छा चाहता ही नहीं है,
हम ऐसे शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ये एनालाइज करने के कि मैंने कमी क्या छोड़ी, कुछ तो मैंने गलती की होगी, कुछ तो रीजन रहा होगा मैं फेल हो गया। हम ये मैं पे तो हम आते ही नहीं, हम तो तू पे लगे रहते हैं। तो जब हम मैं पे आएंगे तभी सुधरेंगे, जब हम तो सामने वाले को उंगली करते रहेंगे हम नहीं सुधरेंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम चलती है। तो ही स्लेमी, बच्चों ध्यान से सुनना, देखो मैं बहुत बार बता चुकी आज की क्लास में, एक जमाना था जब दो रोल दो के साथ येट बट लगता था, आजकल सिर्फ कोमा से काम चल जाता है, लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड टाइड प्रॉब्लम है ये बेसिकली, गिव मी समथिंग टू ड्रिंक एल्स आई शेल डाई। यहाँ ऐसा नहीं है कोई कोरिलेटिव है या कुछ और है, होना तो चाहिए था मतलब कुछ पीने के लिए दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो होना तो चाहिए था अदरवाइज या और, पर वो ऑप्शन में है नहीं। लेस्ट बिना शुड के आ नहीं सकता, तो चॉइस क्या बची, एल्स लगाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमने क्या ले लिया, एल्स ले लिया है, क्योंकि एल्स भी चॉइस को दिखा देता है। ये पीडीएफ आपके बैच ग्रुप में मैं शेयर करा दूंगी, मंजित क्वेश्चन नंबर 58 से 97 डालने, उससे पहले वाले नहीं डालने, 58 से 97, 58 टू 97 आपके लेवल के क्वेश्चन है बेटा, इनको आप दोबारा ट्राई कर लेना, आज के क्लास को देख लेना, थोड़ी बहुत कोई कसर रह भी गई होगी तो वो आपकी कंजंक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज मैं कंजंक्शन की आखिरी क्लास मानते हुए टॉपिक की समाप्ति मान ली है, ठीक है। 175 तक ईडीएम हुए थे, 176 से शुरू करते हैं, 176 से शुरू करेंगे। यहां तक का थम्स अप चाहिए पहले फटाफट से, सभी बच्चों की तरफ से थम्स अप चाहिए अगर यहां तक हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। पेपर में आसान तो आया हुआ, 93 रिपीट है, कोई बात नहीं यार, रोहित रिपीट करने से भी प्रैक्टिस ही होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक रितिका, हम कंजंक्शंस के बाद प्रीपोजिशंस ले सकते हैं, नॉन फाइनाइट्स ले सकते हैं, एडवर्ब कोई भी ले लूंगी इन तीनों में से, संभावना है कि नॉन फाइनाइट्स करेंगे हम, नॉन फाइनाइट्स के बाद हम एडवर्ब्स करेंगे और सबसे लास्ट में हम प्रीपोजिशंस करेंगे। टॉपिक वाइज सारी बुक्स बन जाएंगे ना मेरी, उसके बाद इसको एडिट करो लास्ट, क्योंकि ये एडिट होते ही पूरा ऑफलाइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसको बहुत लास्ट में कर, पहले सारी टॉपिक वाइज बुक्स कंप्लीट कर लूं। हाँ मेरे ख्याल से प्रोनाउन डन हो चुका है, एडजेक्टिव आर्टिकल पे काम चल रहा है, वर्ब हो गया था, टेंस पहले ही हो गया था, तो इसमें एडवर्ब्स रहती हैं, नॉन फाइनाइट्स रहती हैं, हार्डली 3-4 टॉपिक्स आर लेफ्ट, अबाउट टू डन। चलो सबके थम्स अप आ गए, बहुत बढ़िया। प्रेपोजिशन करना चाहती हैं भावना चौधरी, एडवर्ब करा दो, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब मैं एक ही हूँ, आप कई सारे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही क्लास में, चलो भाई एडवर्ब खत्म, अब चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच खत्म, अब चलते हैं प्रेपोजिशन खत्म, अब चलते नॉन फाइन, ऐसा थोड़ी होता है, वन बाय वन सारे टॉपिक हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग्स भी हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कब करवाओगे, Is them or has a bad was verb कब कराओगे, ये verb है दिया, verb के chapter में आएगा। Yes रुचिता, नए वाला spoken मैं लूंगी, जो 5 से 6 शुरू हो रहा है वो मैं ही पढ़ाऊंगी खुद स्वयं। Else का meaning नहीं तो के लिए use होता है या choice के लिए, या तो नहीं तो ऐसा use होता है, ठीक है, unless शर्त के लिए। ये बैच कब तक चलेगा, 1 मंथ, नहीं नहीं 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 महीने में कब इंग्लिश आने लगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है आपके पास इस बैच की, कोर्स खत्म हो जाएगा 7-8 महीने में मैक्सिमम, 7 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है पूरा ग्रामर वोकेबलरी, और 1 ईयर तक आपके पास एक्सेस रहती है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार रिपीट करके सुन सकते हो। अब हम आ रहे हैं इधर, चलो डिक्शनरी वर्ड्स कोई टॉपिक नहीं होता है, तीर्थ डिक्शनरी वर्ड्स आर नथिंग, इंग्लिश में 47.5 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, खुशबू गुड जॉब, इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ रुचिता, फिर वो बैच तो चलता रहेगा ना, नया बैच तो मैं पढ़ा रही हूँ 5 से 6, तो उसका आपके बैच से कोई लेना देना ही नहीं है रुचिता,
बिल्कुल नया बनाऊंगी 25 अगस्त से, जीरो से आएगा उसमें स्पोकन, 5 से 6 या 5:30 से 6:30 कुछ इस तरीके का टाइम रखने की सोची है मैंने, अभी फाइनल नहीं किया है, पर 25 अगस्त से शुरू जरूर करूंगी और उसको मैं खुद पढ़ाने वाली हूँ 5 से 6 वाले को भी। हाँ जी, 176 एडियम है, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स। देखो विंड्स बेसिकली तूफान को आंधी को कह देते हैं, और क्वेश्चन का मतलब होता है सतर्कता चौकन्नापन, मतलब आंधी तूफान आ रहा है, मम्मी कह रही है बेटा अंदर हो जा आंधी आ रही है, आप कह रहे नहीं मैं आंधी को फू करके उड़ा दूंगा, तो इसे कहते हैं थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, समझ रहे हो। रावण को ये कहना कि तेरे से बड़ा रावण मैं हूं, दैट बेसिक थिंग इज नोन एज थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। तो आंसर देखो ब्लू कर रखा है, बिहेव रेकलेसली, कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो रहे हो, तूफान उड़ा के ले जाएगा पता भी नहीं लगेगा, तो इसे कहते हैं वाई टू बिहेव रेकलेसली, वाई टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, समझे। लापरवाह क्यों होना है, बेपरवाह क्यों होना है, दिमाग से बुद्धि से काम लेंगे मैम। मैम व्हाई टुडे इज नो टीचिंग डे, मुझे नहीं समझ आया दिव्यांश क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज नो टीचिंग डे। अच्छा इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, चलो इतने सारे डे हैं कि समझ में नहीं आता है कौन से डे को क्या दें। थ्रो कोल्ड वाटर, देखो कितना आसान है, इसको पता है क्या कहते हैं बेसिकली, इसका इतना सा ही मतलब है, एक बच्चा अपने घर गया और बच्चा अपनी मम्मी को बोल रहा है आज तो मेरे 50 out of 50 आए मैथ में, आज तो मेरे 50 में से 49 आए इंग्लिश में, आज तो मेरे हिंदी में 45 आए 50 में से, और मम्मी कह रही है हाँ ठीक है तेरी किस्मत ठीक रहेगी कल देखते हैं। वो तो बेचारा जोश में मोटिवेट हो रहा है, खुश हो रहा है, और मम्मी कोल्ड वाटर फेंक रही है, चल शांत हो जा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं थ्रोइंग कोल्ड वाटर, किसी के इमोशन को एकदम ठंडा कर देना, ठंडा पानी फेंक के यूं बता देना कि यू आर नथिंग, कीप चिल पिल एंड सेट डाउन, ये वाला फीलिंग किसी को देना इज थ्रोइंग कोल्ड वाटर। देखो आंसर में क्या है, डिस्करेज, डीमोटिवेट कर देना किसी को बेसिकली। टू बी इनफ फिक्स, किस किस के घर में ऐसा उत्पाती बच्चा है, देखो मतलब मम्मी पापा की जान अटक जाए बच्चा घर में ऐसा हो, यूं ले गया फोन और टॉयलेट में फ्लश कर दूंगा, नहीं तो चॉकलेट दे दो, समझे। मम्मी फोन थोड़ी फ्लश करवा सकती है, चॉकलेट ही दे देंगे, पापा फोन थोड़ी फ्लश करवा सकते हैं, ऐसे जा भाई पोटी में बहा दे फोन का, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे की सुननी पड़ेगी। तो यही कह रहा है टू बी इन अ फिक्स, दुविधा में भाई समझ नहीं आ रहे क्या करें, दुविधा में है समझ नहीं आ रहा क्या करें, हाँ करें कि ना करें, हाँ करें तो फोन बह गया, ना करें तो चॉकलेट देनी पड़ेगी, समझे। दोनों तरफ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बीच में बुद्धू आई, एंड दिस इज द बुद्धू बच्चा। ओके बच्चों, तो इन आर डिफिकल्ट सिचुएशन, खतरे की घंटी, ब्रेक द आइस बड़ा आसान सा है, चुप्पी तोड़ना, इररिलेवेंट लगी हुई है बहुत सारी। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। अब आप, हम इसको ब्रेक द आइस से कैसे कनेक्ट करें मैम, इस बच्चे की इमेज देख लो, देखो बड़ी सी आइस है, हथौड़ा लेके तोड़ना चाह रहा है। सपोज आप पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम कमरे में शांति है, एक बच्चा आता है बर्फ की ऐसे रख के हथौड़े से तोड़ने लग जाता है, आपको क्या लगेगा, अरे बेवकूफ कोई और जगह नहीं मिली थी, सब शांत बैठे थे, आ गया यहाँ ठोक पीट करने के लिए। तो ही इज ब्रेकिंग द आइस मीन्स वो शांति भंग कर रहा है, ही इज ब्रेकिंग द आइस मीन्स वो शांति भंग कर रहा है, वो बातचीत शुरू कर रहा है, वो शोर मचा रहा है, इस सेंस में आता है ब्रेक द आइस। ज्यादातर जगह पर लिखा होता है एज टॉल एज अमिताभ बच्चन, ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। एज का पेयर कंपैरिजन के लिए आता है तेजस्विनी, और एज पॉजिटिव डिग्री भी लेता है, तो टॉल भी सही है और एज भी सही है। कि किसका बर्थडे मना रहे हो आप सब, हमारा बैच कब से शुरू है, 2.0 कब शुरू हुआ था, डेट याद है, अभी बता देते हैं बेटा, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि आए दिन बैचेस शुरू होते हैं, मुझे डेट्स नहीं याद रहती। अच्छा संगीता का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे संगीता, मेरी तरफ से भी मुझे, आप तो दिख नहीं रहे संगीता बच्ची कौन, लेकिन बाकी सब वो हैप्पी बर्थडे की लाइन लगाई है तो उधर ध्यान जा रहा है। मेरी तरफ से भी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 जून से हुआ था जी आपका बैच शुरू, जुलाई अगस्त, अभी तो 1.5-2 महीने ही हुए हैं, पूरा साल बाकी है, घबराते क्यों हो। हाँ जी, मेक पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, हालांकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना, ब्रिंग टू लाइट, इसे कहते हैं पर्दाफाश करना,
किसी चीज को रोशनी में ले आना, किसी चीज पर रोशनी डालना, किसी चीज पर प्रकाश डालना, यानी दुनिया के सामने ले आना उस चीज को, इट इज ब्रिंग टू लाइट। ओके जी, अब बता दूंगी बेटा। हाँ, 2.0 वाला हुआ था ना बेटा जून में, टू ब्रिंग टू लाइट रिवील हो गया, टू पुल अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का मतलब मुंह लटका लेना। कई बार आप घर जाते हो, मम्मी पूछती है मुंह क्यों लटका रखा है, तो उसे इंग्लिश में कह सकते हो व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मतलब मुंह क्यों लटका हुआ है, यानी दुखी क्यों हो, क्या हुआ है, कौन से टीचर ने कूट दिया पीट दिया, दैट इज पुलिंग अ लॉन्ग फेस। अब इधर सब शुरू हो गए, हैप्पी बर्थडे संगीता, संगीता थैंक यू बोल के निपटा दो, नहीं तो थोड़ी देर में ये पार्टी और मांग लेंगे आपसे। लुकिंग सैड, बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश होता है, इसका मतलब खाम खा की बात करना। पता है ये एडियम बना कैसे था, मतलब सांप निकला इन झाड़ियों में से, ऐसे 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 गुजर गया दूसरी तरफ, और आप झाड़ियों को पीट रहे हो ये सोच के कि सांप इसके अंदर है, वहां से ये एडियम बना है कि बीटिंग द बुश, बुश को बीट करना, ये मान के कि सांप अभी तक उसके अंदर है, सांप वहीं थोड़ी बैठा है, जा लिया भाई, अब आप खाम खा का एक्शन कर रहे हो, कुछ नहीं होना ऐसा करने से, सांप तो गया। तो बेमतलब की बात करना, मतलब टॉपिक चल रहा है जापान का और आप बीच में मुद्दा घुसा दो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, बोले भाई जापान का सुलटा ले पहले फिर इंडिया को देखेंगे, तो इररेलेवेंट बात करना, मुद्दे से बिल्कुल अलग बात करना, कोई लॉजिक ही नहीं है ऐसी बात करने लग जाना, ठीक है। कमेंट्स पे नजर डाल रही थी पर हैप्पी बर्थडे टू यू ही चल रहा है। टू स्ट्राइक अ कोड, इसका मतलब होता है किसी ने कई सालों से पियानो नहीं बजाया, बहुत साल बाद पियानो दिखा, उंगलियां लगते ही एकदम धुन बज गई फेवरेट वाली, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक अ कोड, कोई पुरानी बात याद आ जाना, कोई पुरानी बात याद आ जाना जो आप बहुत सालों से छोड़े हुए थे, आपको एकदम से फिर याद आ गया। क्यों नहीं कहते अरे यार बचपन का किस्सा याद आ गया, तो उसको आप कह सकते हो आई स्ट्राइक द कोड, आई स्ट्राइक द कोड। सही है ना, अगर मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ती रहूंगी तो पढ़ा नहीं पाऊंगी बेटा, तो इसीलिए मुझे पढ़ाना भी है और कमेंट्स भी देखने हैं, तो बीच बीच में देख लेती हूँ, ज्यादा ध्यान पढ़ाने की तरफ रखती हूँ। द जूरी इज आउट, यानी डिसीजन नहीं ले पाई, जज उठ गए, जज ने हार मान ली, जजेस ने हार मान ली, जजेस ने यूं स्वीकार कर लिया भाई अपने बस का नहीं, हम जा रहे हैं, दैट इज द जूरी इज आउट, द जूरी इज आउट। अच्छा, सयन के 49.5 आए थे इसलिए कह रहा है, मेरे कमेंट्स तो देख लेते, कॉन्ग्रेचुलेशन सयन, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके इंग्लिश के स्कोर अच्छे आने लग गए हैं बैच में पार्ट लेने के बाद, है ना, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपना अपने बच्चे को सफल करना होता है, पहले खुद को और फिर बच्चे होते ही वो बच्चों में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ईट हम्बल पाए का मतलब होता है, ये देखो ये हम्बल पाए है और ये सब इसके ऊपर कूद रहे हैं, ये सब इसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लेकिन ये आराम से पड़ा है नीचे, इसी को कहते हैं ईटिंग हम्बल पाए, मतलब अपने आप में बहुत छोटा महसूस करना, अपनी बेइज्जती कराते रहना पर चुप खड़े रहना, अपनी बेइज्जती कराते रहना पर चुप खड़े रहना इज ईटिंग हम्बल पाए। 85 हो गए हैं, हर दिन के 10 कराती हूँ, आज के 10 हुए कंप्लीट, फटाफट से बताओ अगर ठीक ठीक समझ आ गया है तो थम्स अप डालो सारे के सारे बच्चे। जल्दी से थम्स अप डालिए, सभी की तरफ से थम्स अप चाहिए। रुचिता कोड है बेटा, कोड, आर नहीं बोलना है, सबके थम्स अप आ गए, सबको ठीक समझ आ गया, चलिए दैट्स ग्रेट। अब बताओ अपनी कोई बात आपने मुझसे पूछनी हो, नहीं तो क्लास को मैं यहीं रोकना चाहती हूँ, इट्स एनफ फॉर टुडे, दिस वन इज एनफ फॉर टुडे, काफी है आज के लिए, इतना ही, कल हम टेंस का टेस्ट डिस्कस करेंगे।
परसों यानी थर्सडे और फ्राइडे को आपका टेस्ट है, वेडनेसडे को हम आपका टेंस का टेस्ट जो पहले हो गया था ना वो डिस्कस करेंगे। 178 का थम डाउन आया है, लेट मी चेक। तो भी इन फिक्स का मतलब कंफ्यूजन में होना, परेशानी में होना। अब आपका फोन कोई पानी में फेंकेगा तो आपको क्या फीलिंग आएगी, यार कहाँ फंस गया मुसीबत में, तो दैट इज मुसीबत में फंस जाना। हाँ काजल क्वेश्चन नहीं लिख देती बेटा, पता नहीं अगले कमेंट पे नजर पड़ेगी या नहीं। रितिका मैथ्स में तो आ जाते हैं बेटा, फुल आउट ऑफ फुल मैथ्स में आते हैं, इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल इजिली नहीं आते। अच्छा दिव्यांश, मुझे नहीं पता था इस बारे में, बड़ा दुख हुआ जान के। एना पटेल बिल्कुल मिलेगा बेटा, आप 9999111852 पे कॉल करो। रश्मि या खुशी मैम में से कोई पिक करेगा उसे बोलना नेहा मैम ने कहा था कि हमारे अपने बच्चे ऑलरेडी एडमिटेड अगर एडमिशन लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट होता है, वो मुझ तक बात ले आएंगे और फिर एक कोड जनरेट करवा दूंगी मैं आपका, उसके बाद हो जाएगा। भावना 180 तो ब्रिंग टू लाइट, रोशनी में ले आना किसी चीज को, अंधेरे से रोशनी में ले आना यानी दुनिया के सामने ले आना, दुनिया के सामने ले आना। कोई बात नहीं शंकर, रिकॉर्डेड देख लेना बेटा। हाँ स्पोकन ऑनलाइन ही होगा, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना ऐसे ही स्पोकन कराऊंगी उस बैच में, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाए वो हम 25 अगस्त से शुरू कर रहे हैं बैच। मैं उसका जल्दी ही एक पोस्टर भी बनवाऊंगी, फेसबुक पे लाइव भी आऊंगी, आप सबको भी कहूंगी स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखना भी बहुत सारे लोगों का सपना है, तो उसमें भी तो मदद करनी चाहिए ना ग्रामर और वो कैप की तरह। हाँ दिया जब वर्ब होगा तब होगा बेटा ये। चलिए हाउ टू गिव टेस्ट, हरीश 9999111852 दे विल टीच यू हाउ टू गिव टेस्ट। सुभद्रा वैश, शुरू से सीखना है कोई और बैच, देखो इस बैच में आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है बेटा पिछला सारा, बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। हाँ अगर आप मेहनती हो, डरते नहीं हो मेहनत करने से, तो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस आप सुनो, आपको ये बैच में भी समझ में आने लग जाएगा। फिर भी आपकी इच्छा है तो 25 अगस्त में स्पोकन वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर क्या है, 9999111852। हाँ भावना इसी नंबर पे भेज दो आप अपना सिलेबस भी। ऑल राइट रोजिता टूडल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंजॉय योर डे।